चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्टबुक चैनल पर। और यहाँ पर बहुत जरूरी एक मैराथन ही मैं आपके लिए ले आया हूँ कंप्लीट। आज पूरे दिन और क्लास नहीं रखना है, लेकिन हाँ, इस मैराथन में हम कंप्लीट हिस्ट्री कवर करेंगे। और ऐसे ही कल, जैसे आज सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच में रखा है ना, क्योंकि हमारी टाइमिंग होती है सुबह 9 बजे की, तो मैंने सोचा भैया 9 बजे की टाइमिंग भी फुलफिल हो जाएगी और हमारी एक पूरी मैराथन भी हो जाएगी, एक सब्जेक्ट भी हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, वैसे हम रेगुलर सुबह 9 और रात को 9 बजे पढ़ते हैं, ठीक है। और कल जो मैंने मैराथन रखी है, कल मैंने रात को 8 से 10 रखी है, और कल मैं आपका पॉलिटी खत्म करा दूंगा, ठीक है। आज हिस्ट्री, कल पॉलिटी, और फिर बाकी बचे हुए सब्जेक्ट आपको सैटरडे संडे के बाद मिलते रहेंगे, रात को 9 सुबह 9, ठीक है। चैप्टर वाइज करना है। देखो मेन पर्पस क्या है, ज्यादा से ज्यादा कोर्स कवर होना चाहिए, है ना। तो आज हम हिस्ट्री का कोर्स कवर करेंगे। आज मैं पूरा लेके आया हूँ उसमें, हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, और ये सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं आप सभी के लिए, एकदम नए क्वेश्चन है आपके लिए, जितने भी क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वीडियो एक बार पहले तो शेयर करो, अपने ना एग्जाम का नाम लिख दो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आप मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, अमन सर टेक्स्ट बुक, ठीक है, सर्च कर लें इसे। और जितना भी कंटेंट मैंने अभी तक पढ़ाया है, ठीक है, वो अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम पे, सभी क्लासेस आती हैं, एक बार ही जुड़ जाना और अभी अपडेटेड रहिएगा, ठीक है, 10 बजे के आसपास एक्टिव रहिएगा। चलिए, है ना, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। जो आप अगर फाउंडेशन बैचेज ज्वाइन करना चाहते हो, अमनदीप कोड यूज करके आप इन्हें भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्लासेस में जुड़ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम यूज कर लेना, ठीक है, ये कोड यूज कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करें, एक बार ही यस लिखिएगा। आज ना मेन फोकस पता क्या है, आज मेन फोकस है नए नए क्वेश्चन। आपने बहुत सारे हिस्ट्री के चैप्टर कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, ठीक है। इवन मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री भी होगा, मिडिवल हिस्ट्री भी होगा, मॉडर्न हिस्ट्री होगा, आप इक्वल प्रपोर्शन में क्वेश्चन देखोगे इस क्लास में। और ये जो क्लास बच्चा देख लेगा, वो बच्चा ना हिस्ट्री में जो है ना पेपर में फेल नहीं हो सकता। पॉइंट ये है, क्योंकि मैंने जितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एंशियंट के, मिडिवल के, मॉडर्न के, वो सारे के सारे क्वेश्चन एक साथ डाले। जल्दी से एक बार एग्जाम का नाम लिख दो, आंसर उसके बाद स्पीड भी देना। और बेटा आंसर पे कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि धीरे धीरे आंसर दे रहे हो, स्लो स्लो, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे। आज बहुत सारे क्वेश्चन लाए हैं, तो जल्दी जल्दी करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि 1 मिनट में दो एक ही क्वेश्चन हो रहा है। जल्दी जल्दी निपटाने क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आज, ठीक है, जितने क्वेश्चन करा दूंगा वो सब आपको मिल जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन कर रहे हैं आपके सामने, वीडियो को एक बार शेयर कर देना और लगे रहना 2 घंटे तक। 2 घंटे तक लगे रहोगे तो चीजें समझ जाओगे कि भैया क्वेश्चन आ रहे हैं तगड़े वाले। बताइए कौन सी ऐसी डायनेस्टी है जिन्होंने ना मगध के ऊपर रूल किया था मौर्य डायनेस्टी के बाद। देखो सिंपल फंडा है, पहले कौन सी डायनेस्टी आई, सर कुछ भी पढ़ा दो, सब पढ़ लेंगे, बट एग्जाम में आना चाहिए। भाई देखो यार, कुछ भी पढ़ाने वाला काम नहीं है, जो पढ़ाने वो 100% एग्जाम में आएगा, पढ़ लो, ठीक है, 2 घंटे लगो इसमें, इसके बाद हिस्ट्री मत पढ़ना, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं मगध में पहले नंदा डायनेस्टी आई, नंदा डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी आई, और मौर्य डायनेस्टी के बाद शुंगा डायनेस्टी आई। बेटा इसमें रूल्ड ओवर मगध आफ्टर लिखा हुआ है, ठीक है। आप नंदा डायनेस्टी लगा के मेरा दिल छल्ली कर रहे हो सुबह सुबह, ठीक है, मॉर्निंग गिफ्ट दे रहे हो नंदा डायनेस्टी लगा के। भाई मेरे नंदा डायनेस्टी मौर्यन से पहले थी, नंदा डायनेस्टी मौर्यन से पहले थी। अगर ये आफ्टर की जगह बिफोर लिखता तो मैं कहता ठीक है तुम समझदार, ठीक है, नंदा डायनेस्टी लिखे हो, सही लिखे हो, बट ये आफ्टर पूछ रहा है, ठीक है, शुंगा डायनेस्टी है, ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा जो है इसका फाउंडर था, पुष्यमित्र शुंगा इसका फाउंडर था, ध्यान रखिएगा। शुंगा डायनेस्टी का फाउंडर का नाम क्या था, पुष्यमित्र शुंगा। जो जो चीजें सुना रहा हूँ वो सुनते रहो, कान में बातें जानी चाहिए, बहुत काम आएंगी फिर पेपर में, ठीक है। चलिए रेगुलर प्रेस है कौन से वर्ष में पास हुआ, कमेंट करिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। जितना आपने सीखा है उनसे अगर आप इन सवालों के जवाब दे पा रहे हैं तो तैयारी अच्छी चल रही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, भारत में जितने भी हिंदी भाषा और हमारी लोकल भाषा में न्यूज़पेपर ला रहे थे, वो दबा के प्रमोट कर रहे थे, दबा के चीजें बता रहे थे भारतवर्ष के लोगों को कि देश आजाद होने वाला। ये चीज जो है
किसको पसंद नहीं आई? लॉर्ड लिटन को, है ना? किसको? लिटन को। लिटन को नहीं आई ना, लिटन लौट गया कि भैया ना वर्नैकुलर प्रेस एक्ट लाएंगे, लोकल न्यूज़पेपर्स को रोक के दिखाएंगे। 1878 इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है कि भाई जो हमारे न्यूज़पेपर थे ना, लोकल न्यूज़पेपर, उनको ना कुछ कुछ व्यक्ति थे जो उनको सपोर्ट करते थे, उन्हें हम कह सकते हैं लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया। ठीक है, लिबरेटर ऑफ द प्रेस इन इंडिया किसे कहा जाता है, जिसने हमारी लोकल न्यूज़पेपर को थोड़ी सी आजादी दिलवाई? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? मेटक्लिफ। ठीक है, ध्यान रखना मेटक्लिफ आंसर होगा। चलिए, बुद्धा गेम इज रिलीजियस मैसेज। जो गौतम बुद्ध थे, देखो आप कहेंगे सर उन्होंने अपने रिलीजियस मैसेज तो हर जगह दिए, ठीक है, तो हमें कैसे पता दें? बेसिकली ये कह रहे हैं कि हमारा इन्होंने पहला सरमन कहाँ पे दिया था, गौतम बुद्ध ने। अब ये एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन, मिडविल हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे मिक्स हैं, पूरी पीडीएफ आप तक आ जाएगी। आप तक आज 10 बजे के बाद बड़ा कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ बुद्धा ने अपना पहला सरमन कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ठीक है, कहाँ पे दिया? सारनाथ में दिया ना। सारनाथ में जब उन्होंने सरमन दिया था, वो कितने शिष्य थे, कितने बालक थे? जैसे अभी बहुत गिने चुने बालक पढ़ रहे हैं, सुबह ठंड हो रही है, बाहर ज्यादा ही ठंड हो रही है आज, जैसे इतना बच्चे जो है कम आ रहे हैं, घर से बैठ के भी पढ़ाई नहीं होती है यार तुमसे। 5-10 किलोमीटर ट्रेवल करके इधर स्टूडियो में आते हैं, 8 बजे की क्लास लेने, कभी कभी सुबह और अर्ली लेने क्लास, है ना? तुम घर पे बैठ के नहीं पढ़ लेते। सारनाथ की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो उपदेश दिया था, कितने शिष्यों को दिया गया ना? 5 शिष्यों को। ध्यान रखिएगा, 5 शिष्य। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वेदिक मैथमेटिक्स। अच्छा, आप आज के समय में इसे भी यूज करते हो, पता क्या? मैंने सुना कि भाई आप मैथ की तैयारी जब कर रहे होते हो, कुछ टीचर कहते हैं कि भैया वेदिक मैथ सीखो, आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। अब वो वेदिक मैथ का जो कंसेप्ट है वो किस में दे रखा है? कौन सा टेक्स्ट है जिसमें वेदिक मैथ के बारे में बता रखा है? बता यार, जल्दी से बताओ। हयात धैतार्या, मिस्टर परफेक्ट, इंद्रपाल, जितने भी हैं जल्दी से बताए। एक बच्चे ने कहा है सुलवा, मिस्टर परफेक्ट ने कहा है सुलवा सूत्रा, और बाकी कोई अथर्वेद। अच्छा जी, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्वेद में आ गया आंसर, मैथ पढ़ाने लग गए थे। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का? सुलवा सूत्रा। ऐसे कहते हैं ना मैथ का सवाल, ये सुलवे ही नहीं हो रहा है, बिहार के या झारखंड के लोग कहते हैं सुलवे ही नहीं हो रहा है, सुलवे ही नहीं हो रहा है। जब सुलवे नहीं हो रहा है तो सुलवे को सुलवे करने के लिए वैदिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करिए ना, है ना? ये सोल्व ही नहीं हो रहा है तो सोल्व करिए ना। कैसे करेंगे? वैदिक मैथमेटिक्स का यूज करेंगे याद करने के लिए। भाई देखो, मर्जी आपकी, आप कैसे भी याद कर लो, हम तो सोल्व ही नहीं हो रहा है याद करे थे, और जो याद करे थे उसके बाद भूले नहीं कि भैया मैथ का क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा। मैं बिहार से नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको यूज जरूर करके सिखा दूंगा कि मतलब कैसे आपको याद करना। देखो, मैं सैटरडे संडे आपको ना एक फाउंडेशन बैच नहीं पढ़ा रहा रात को 9 बजे का, लेकिन मैं मंडे टू फ्राइडे 9 बजे क्लास लेता हूँ टेक्स्ट बुक पे। जो बच्चा मंडे टू फ्राइडे रात को 9 बजे या सुबह 9 बजे आके पढ़ेगा ना, उसको चीजें याद हो जाएंगी, सिर्फ देखने वाली बात नहीं, याद हो जाएंगी। जो मैं कराना चाहता हूँ याद ही करा देता हूँ सीधा। ठीक है, चलिए, भगवान महावीर की माता का नाम बताइए, कमेंट करिए जल्दी से बताइए। देखो, भगवान महावीर की जो माता थी उनका नाम क्या था? ऐसे भगवान बुद्ध की माता, रियल मदर और फोस्टर मदर, दोनों के ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? भगवान महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। ठीक है, भगवान महावीर की माता का नाम था त्रिशला। अच्छा जी, माता का जहां नाम आता है तो पप्पा का भी आना चाहिए। पिताजी का नाम बताइए, भगवान महावीर के पिता का नाम क्या था? जल्दी से कमेंट करिएगा, जल्दी से बताइएगा भगवान महावीर के पिता का नाम। अब इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ तो आप बताओ भाई, क्योंकि अगर ऑप्शन में लिखा है तो कोशिश आपको करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो भगवान महावीर के पिता का नाम था वो गौतम बुद्ध का जन्म का नाम था। अब आप सोच के बताओ कि क्या आंसर होना चाहिए। जो भगवान महावीर के पिता का नाम था वो गौतम बुद्ध का जन्म का नाम था। हिंट मैंने दे दिया, अब भगवान महावीर के पिता का नाम बताइए। सिद्धोधना, सिद्धार्था। चलिए, कुछ बच्चों ने सही बताया, आप सारे सही बता रहे हैं, सिद्धार्थ आंसर होगा। ठीक है, सिद्धार्थ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, भगवान बुद्ध की फोस्टर मदर का नाम, ठीक है, पूछ लेंगे कि क्या है गौतमी,
उससे गौतम बुद्ध बना। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, वेट फॉर एन आवर। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, गढ़वाल किंग गोविंद चंद्र जो है वो इसमें से किसकी ओथ, द मिनिस्टर ऑफ गढ़वाल किंग गोविंद चंद्र एंड द ऑथर ऑफ काल्प दुर्मावास, बताइए इसमें से कौन है, काल्प दुर्मा के ऑथर कौन है। और ये गढ़वाल किंग गोविंद चंद्र के मिनिस्टर भी थे और काल्प जो दुर्मा है इसके ऑथर भी थे। देखो ये पूछे ना पूछे ये कह सकता है कि भैया बताओ काल्प, ठीक है, काल्प दुर्मा के ऑथर का नाम बताइए। कोई कहेगा सर बड़ा मुश्किल हो गया, यस मुश्किल है लेकिन बताओ, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, काल्प दुर्मा के ऑथर का नाम बताइए। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइए, है ना। देखो जैसे अभी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर तुक्केबाजी वाली बात है क्योंकि ये नॉलेज से परे के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे इस वाली क्लास में। अब इस क्वेश्चन का आंसर है लक्ष्मी, ठीक है, धरा, लक्ष्मी धरा। क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, लक्ष्मी धरा इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना, कभी कभी लक्ष्मी माता ड्रामे करती है, नहीं होती है जेब में तब दिन खराब होते हैं, है ना, धरा का धरा रह जाता है सब कुछ बिना लक्ष्मी माता के, है ना। तो भैया ये जो है कल्प द्रुमा बताइए, याद रखें कि नहीं, कल्प द्रुमा के ऑथर कौन है, लक्ष्मी धरा है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखिए, मुश्किल था। गुप्ता डायनेस्टी किसके लिए फेमस था, कमेंट करिए, गुप्ता वंश, बेटा देखो है ना। अब जैसे ये वाले धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने नहीं पढ़े अभी तक, मतलब मैंने भी नहीं पढ़ाए हैं। ऐसे ही आज मैं जो आपको हिस्ट्री करा रहा हूँ ना सुबह 8 से 10, ऐसे ही कल सुबह, कल रात को, सॉरी कल सुबह नहीं, कल रात को पॉलिटिक कराने वाला हूँ। दो सब्जेक्ट मैंने सोचा है कि सैटरडे संडे में खत्म करने हैं, पहला ये हिस्ट्री 2 घंटे में, और फिर कल रात को 8 से 10 पॉलिटिक, बीच में कोई क्लास नहीं रख रहे। टेलीग्राम पे बहुत अपडेट आएंगे आपके आज, ठीक है, देखिएगा जरूर, कोई बच्चा टेलीग्राम में इसमें उतरेगा। और सभी के सभी जितने बच्चे हैं मेरे भाई, अगर मेरे टेलीग्राम जो अमन से टेक्स्ट बुक है उसके 1 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल पे आप नहीं हो तो उसमें जुड़ जाओ, ठीक है, आप 5.5 वाले में हो लेकिन 1 लाख वाले में जुड़ जाइए, ठीक है। सर गुप्ता डायनेस्टी जो है आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए फेमस है। देखो वैसे ना गुप्ता डायनेस्टी किसके लिए फेमस है, सिक्कों के लिए भी फेमस है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, अब कह रहे हैं कि भैया कौन सा इसमें से ऐसा लोकेशन है जहां पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड जो है था। तो देखो यार आईबीसी की अगर मैं बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं, तो उसमें तो लोथल था, है ना, लोथल ऐसी लोकेशन थी जहां पे जो है आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड था। सिंपल याद रखो डॉकयार्ड था, ठीक है ना। तो डॉकयार्ड में क्वेश्चन आता है लोथल के ऊपर, ठीक है, गुजरात की तरफ ये लोकेशन थी, ऐसे कालीबंगा राजस्थान, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान, तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन आज जिस समय थे उस समय कंटेम्पररी साउथ इंडियन रूलर कौन थे, बताइए। वो आज कंटेम्पररी साउथ इंडियन रूलर ऑफ हर्षवर्धन, कंटेम्पररी मतलब समकालीन, जिस समय हर्षवर्धन रहे होंगे उसी समय इनका इनकी भिड़ंत रही, मतलब ये एक दूसरे के जाने दुश्मन समझ लो, इन दोनों के बीच में बहुत वॉर हुई है, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट थे ये दोनों, ठीक है। अब आंसर क्या इस क्वेश्चन का, पुलकेशन सेकंड। क्या है पुलकेशन सेकंड, अच्छा पुलकेशन सेकंड के ऊपर एक इंस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन है, वो इंस्क्रिप्शन कौन सा है, बड़ा फेमस इंस्क्रिप्शन है ना। इस इंस्क्रिप्शन पे क्वेश्चन भी आता है कि भैया पुलकेशन सेकंड के लिए जो इंस्क्रिप्शन है वो कौन सा। देखो सिंपल है, हर्षवर्धना जैसे जो व्यक्ति थे वो सारे नॉर्थ वेस्ट की तरफ थे और ये साउथ की तरफ, पुलकेशन के ऊपर, ठीक है, जो है पुलकेशन सेकंड ने हर्षवर्धना को एक बार हराया भी था, मतलब इतना पावरफुल था पुलकेशन सेकंड कि उसने हर्षवर्धना को हरा भी दिया था एक बार, ठीक है। पुलकेशन सेकंड जो है, ठीक है, इनके ऊपर एक अहियोल का नाम का इंस्क्रिप्शन है। क्या नाम है, अहियोल, क्या नाम है, अहियोल, ये ध्यान रखना, इस पे क्वेश्चन आता है कि भैया इंस्क्रिप्शन कौन सा है, अहियोल इंस्क्रिप्शन है, और पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धना को हरा रखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, हाँ जी आंसर कोपरेज किसे कहते हैं, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, किसे कोपरेज कहते हैं। देखिए सिंपल है, रट्टेबाजी मारने वाला काम ना करिएगा, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा, इतनी सारी एज है, अगर सारी याद करने लग गए तो दिक्कत है। आपसे ज्यादातर कॉपर एज पूछता, तो सी माने कॉपर और सी माने कैथोलिक, कैलकोलिथिक, है ना, सी माने कैलकोलिथिक।
अब हमें अगर आप इस चीज को अलग से ऐसे याद करोगे ना बार बार कि भैया इनमें से ये आंसर है, इनमें से ये आंसर है, तब कभी भी याद नहीं होने वाला। लेकिन भैया कोपर और कैलकुलेथिक में सी का जो क्लियरिटी है, इसको पकड़ के रखोगे तो क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा कि भैया कैलकुलेथिक जो है एज रही होगी। ठीक है, तो आंसर कैलकुलेथिक एज याद रखना है, लेकिन सी से सी याद रख के ही करना है, नहीं तो बार बार गलत होता रहेगा, कुछ फायदा नहीं। ठीक है, को याद रख लो, कोपर कैलकोलिथिक। ठीक है, कोपर इधर से भी आ रहा वर्ड, तो मतलब रिलेट करके ही याद करो। मैं हमेशा कहता हूँ सिर्फ देखना नहीं होता है, रिलेट करना होता है। जब देखते हो तो सिर्फ दिखता ही है, फिर भूल जाते हो। ठीक है, जब रिलेट कर लेते हो फिर याद हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, ग्रेट एस्ट्रोनॉमर जो गुप्ता के समय में रहे। देखो यार, इसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी। जब मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ ना, तो मैं अपने आप को जीरो समझता हूँ। ठीक है, जब मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूँ, ऑब्वियसली, लेकिन जीरो जो है आर्यभट्ट से संबंधित पक्का है ना। गुप्ता के समय में आर्यभट्ट जो है एक एस्ट्रोनॉमर भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। मैथमेटिशियन थे आपको पता ही है आर्यभट्ट का, लेकिन ये गुप्ता के समय में थे ये जरूरी है। पता ही, इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट कौन सी है? एक एक क्वेश्चन जो है ना आपके पेपर के काम का है, इतना समझो। जितना मैं कंटेंट हिस्ट्री में ला सकता था ना, वो मैं आज लेके आया हूँ। एक एक क्वेश्चन देखोगे, 2 घंटे पढ़ोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री तक खींचेंगे सब कुछ, समझ रहे हो? ये क्वेश्चन मैंने अभी तक आपको यूट्यूब पे कराया नहीं है। ठीक है, चलिए भाई लकुत क्या हाल है। ठीक है, चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का देखो, अगर मैं आईसीसी की स्क्रिप्ट की बात करूं तो वी डोंट नो द स्क्रिप्ट। इफ यू नो, गो टू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड कहो कि भैया स्क्रिप्ट मिल गया, मुझे डॉक्टर की उपाधि दे दो, पीएचडी मान लो मेरी अब तुम। ठीक है ना। चलिए, तो आंसर अननोन है क्योंकि भैया नहीं पता। वोस्टोफेडर स्टाइल है इसका। एक क्वेश्चन, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने पैटर्नाइज करी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आई एम गुड। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने, देखो सिंपल सा आइडिया हमने याद कर रखा बहुत बारी, राजगिरा, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर, है ना। उसके बाद जो कश्मीर है, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, और वो किसने आयोजित करवाई थी? अशोका ने आयोजित करवाई थी। ठीक है, किसके द्वारा? अशोका के द्वारा आयोजित करवाई थी। जैसे कनिष्ठ जो है चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल है, ठीक है, कश्मीर में ये अनाउंस करवाई गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बड़े आसान है लेकिन करने। अब जैसे कैसे पुलकेशिन सेकंड का क्वेश्चन आया, पुलकेशिन सेकंड के बारे में अभी हमने पढ़ा कि भैया हर्षवर्धना के अपोजिट था ये, लेकिन भैया पुलकेशिन जो है ये किससे संबंधित था, कौन सी डायनेस्टी से? ठीक है ना, आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताएगा। याद है, याद है किसी को पुलकेशिन सेकंड? ठीक है ना, जल्दी से बताइएगा। सर, जो आपने साइंस पढ़ाई है वो कंप्लीट है क्या? अभी मेरे ख्याल से उसमें 18 चैप्टर हुए हैं, अभी चैप्टर होने हैं, और पीरियोडिक टेबल चैप्टर हुआ है लास्ट। पीरियोडिक टेबल का भी एक जो क्लास और होगा सुबह, मंडे को 9 बजे होगा, याद रखना, मंडे को 9 बजे पीरियोडिक टेबल की क्लास है, वो करनी है। मतलब मंडे टू फ्राइडे में करेंगे सारा कुछ, सुबह 9 रात को 9 बजे। सर, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें सारे तुक्के मार रहे हो। ठीक है ना, पुल्ला की जाने में कौन? बदामी इस क्वेश्चन का आंसर है। चोलुक्यास और बदामी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है ना बेटा, देखो पुलकेशिन ना चालू आदमी था, इस वजह से पुलकेशिन हर्षवर्धना को हरा दिया। ठीक है, पहली बात तो ये, रोज बादाम खाता था, दिमाग तेज था, चालू हो गया, उसके बाद पुल्ला हरा दिया। ठीक है, किसको? हर्षा को। सिंपल सा है। ठीक है, पुलकेशिन सेकंड। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? लूम जो है बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होगा। कोई कहेगा सर लूम तो आज के समय में हमने सुना है कि एक नई टेक्नोलॉजी आई है, ये लूम टेक्नोलॉजी किस समय में रही होगी? बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, लूम टेक्नोलॉजी किस समय में रही थी? आंसर क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पता है तुम्हें, आज के समय में ना एक वीडियो अपडेट करने के लिए जो सभी देख सके, एक लूम नाम का वेबसाइट आया, ऐसा कुछ आया लूम नाम का। तो बच्चे सोचने लगे कि भैया ये तो आज के ईरा में होना चाहिए, है ना। अब इसमें लूम दे रखा है और आज का ईरा दे रहा दे नहीं रखा,
बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि भैया लूम जो सेंट्रल टेक्नोलॉजी इनोवेशन था ये किस समय में था। तो मेरे भाई आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, लूम जो है ठीक है वो है सल्तनत के समय की टेक्नोलॉजी। आप कहेंगे सर ये कैसी टेक्नोलॉजी है भाई, आपने हैंडलूम सुना जिससे हम अपनी कालीन बनाते हैं, बड़ी फेमस है कश्मीर की तरफ जम्मू की तरफ बहुत फेमस है, लखनऊ में बनाते हैं बहुत कालीन और ये सब चीजें बनाते हैं, हैंडलूम वर्क जो होते हैं वो सारे हैंडलूम में जो वर्ड लूम है ना वो टेक्नोलॉजी सुल्तनत सुल्तान के समय में जो सल्तनत ईरा था उस समय आई थी। किस समय आई थी, सल्तनत ईरा के समय में आई थी जो हम आज के समय में यूज करें हैंडलूम। ठीक है तो हैंडलूम से ही लूम वर्ड यूज किया गया है ठीक है। और ये चीज आपने पकड़ी नहीं भाई, सुबह ना जैसे सुबह सुबह उठ जाते तुम पढ़ रहे हो सुबह, तो कहने का मतलब सुबह सुबह उठ जाते थोड़े से बादाम भिगो के खाया करो ठीक है, बहुत जरूरत मान ले ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिएगा, अशोकन इंस्क्रिप्शन एलिवेट द पॉलिसी ऑफ धामा, कितना प्यारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक। बेटा आज ना क्वेश्चन ना ऐसे नहीं है कि जो कराए जाते बस वही हो रहे, मैंने बहुत सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाए हैं जो मैंने देखा है कि बहुत बार रिपीट होते हैं। तो आप एक एक क्वेश्चन करो इसका, इसकी पीडीएफ आपके पास होनी चाहिए ऑल इन वन ठीक है, जितना भी हो सकता है वो सब। इवन मैंने ऐसा सिर्फ हिस्ट्री का नहीं किया, मैंने हिस्ट्री के ऐसे 500 क्वेश्चन बनाए, पॉलिटी के भी ऐसे 500 क्वेश्चन बनाए, पॉलिटी के 1000 बनाए, ज्योग्राफी के 500 बनाए, इस टाइप के क्वेश्चन ठीक है, स्टैटिक जीके के 3000 क्वेश्चन बनाए, इस टाइप के मैंने मतलब टोटल एक ऑल इन वन पूरा बनाया है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है जल्दी से बताएगा, रामा पॉलिसी अगर मैं बात करूं तो मेजर रॉक एडिक्ट है ये 11th जिसमें जो है दर्शाया गया है थामा पॉलिसी को ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, इसमें से कौन सा बुद्धिज्म का सेक्ट नहीं है। देखो पहली बात तो तुमने सोचा कि रॉक एडिक्ट 13 लिखा होगा तो ही जो है आपका आंसर होगा है ना बेटा, 11 आंसर है यहाँ पे, इलेबोरेट करने की बात कर रहा है ठीक है। गया क्वेश्चन आपका, आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, इसमें से कौन सा बुद्धिज्म का सेक्ट नहीं है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चीजें रिलेट नहीं करते हो, दिगंबर श्वेतांबर जो है ये जैनिज्म में है, दिगंबर और श्वेतांबर ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर ठीक है, ये जो है किसमें है, किसमें है, ये जैनिज्म में है, बाकी त्रिदेव महायाना हीनयाना ये सारे के सारे होम रूल लीग किसके द्वारा स्टार्ट की थी। मॉडर्न हिस्ट्री बीच में आता रहेगा, जितना क्वेश्चन काम का होगा वो सारा आता रहेगा। होम रूल लीग, देखो एक होम रूल लीग की शुरुआत 1916 में हुई, कब हुई 1916 में, 1916 में बाल गंगाधर तिलक जी और एनी बेसेंट, और एनी बेसेंट ठीक है, इन दोनों के द्वारा जो है होम रूल मूवमेंट की स्टार्ट किया गया ठीक है। सर एक और क्वेश्चन देखिए, राजेंद्र प्रसाद अभी आप इस वीडियो को देखिए, हर कोई एक काम कर लेना आज, जब ही 10 बजेंगे ना, जब भी 10 बजेंगे मेरे टेलीग्राम पे एक्टिव हो जाना, अमन सर टेक्स्ट बुक ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए, बुद्धा का मतलब क्या है, गौतम बुद्ध क्या थे, एनलाइटेड पर्सन थे, जब उनको पहले तो वो बुद्धा जाने ही जाते थे, उनको उनको साक्य मुनि कहा जाता था हर एक चीज कही गई, लेकिन जब उनको एनलाइटमेंट मिला बोध गया में तभी जाके कहा गया कि भैया वो है बुद्धा ठीक है, एनलाइटेड वन प्रभुत्व का ज्ञान होंगे। हाँ जी बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा कॉइन है जो कि सिल्वर कॉइन था, गुप्ता पीरियड में इशू किया गया, गुप्ता के समय में जो चांदी का सिक्का इशू किया गया वो कौन सा था। अब ये क्वेश्चन फंसता है यहाँ पे, गलती होती है, गुप्ता के समय में पूछ रहा है ठीक है, हर एक के समय में अलग अलग सिक्कों का नाम रखा गया है, चांदी के सिक्के ठीक है ना। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, गुप्ता के समय में जो चांदी के सिक्के आए ठीक है ना, वो किस नाम से जाने गए ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर है कि भैया अगर हम आज के समय में ठीक है गोल्ड खरीदते हैं तो लाखों में है ना, लेकिन अगर चांदी खरीदते हैं बहुत ज्यादा महंगी नहीं है
रुपये वाला हिसाब है, अगर गोल्ड के कंपैरिजन या हीरे के कंपैरिजन में देखा जाए, रुपये वाला ही हिसाब है। ठीक है ना? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? सॉरी, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर रुपए का, इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चांदी रुपए का है, गोल्ड महंगा है, हीरा उससे भी ज्यादा महंगा है। क्या है? चांदी रुपए का, गोल्ड महंगा है, हीरा उससे भी ज्यादा है। और इसको याद करो, ऐसा नहीं आप बस इसको पढ़ के छोड़ दोगे। ठीक है, गोल्ड कमाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। चांदी सस्ता आ रहा है, चांदी हम रुपए का खरीद लेंगे। चीजें याद करो, देखो आप ना ये मत सोचो कि भंडार है, उसमें से जो मिल रहा है खींच लो, वो खींचना नहीं है, वो याद करना है, दिमाग में डाल के लेके जाना है। ठीक है ना? दिमाग में डाल के लेके जाना है चीजों को, जो पढ़ते हो दिमाग में डाल के लेके जाओ, लिख तो रहे नहीं हो, किस में लाओगे? दिमाग में लेके जाओगे ना, तो याद करने की कोशिश करनी है कि दिन रात मेहनत करके सोना मिलता है, ठीक है, और रुपया सस्ता है, चांदी सस्ती है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। सिख गुरु जिन्होंने अमृतसर की स्थापना करी थी, फाउंडेशन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कमेंट करिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। बेटा ये सर रिमोट ले लो ना, अमन सर का रिमोट मार्केट में अवेलेबल है, दबा दे करो 2 मिनट में। बंसल आप भी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बोलने लगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ बोलने लगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना? ये तो वही बात होगी, मेरा एक रिमोट बनवा लो, ठीक है, कस्टमाइज करवा लो अमन सर का रिमोट, 2 मिनट में दबा देना, अगर सर कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बताने लग जाए तो नेक्स्ट दबा देना, है ना? चलिए आंसर है इस क्वेश्चन, गुरु रामदास इस क्वेश्चन का आंसर है, गुरु रामदास इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट मत लिखा करो बस, बाकी कुछ भी लिख लो मेरी क्लास में, जो भी लिखोगे मजा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट मत लिखा करो। ठीक है, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ यार तुम्हारे लिए ज्यादा से ज्यादा चीजें लाऊं, ऐसा नेक्स्ट लिखने से कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी नहीं भाग जाओगे तुम कि 3-2 घंटे की जगह बहुत ज्यादा सीख जाओगे नेक्स्ट लिख के, नहीं होगा कुछ ऐसा। गुरु रामदास जी, देखो अब गुरु रामदास जी अमृतसर के फाउंडेशन किए थे और साथ के साथ गोल्डन टेम्पल जो है वो भी बनवाए थे, ठीक है ना? सिंपल सी बात है। और गुरु रामदास जी कौन से गुरु थे ये भी बताइए। गुरु रामदास जी चौथे गुरु थे, अकबर के मित्र थे, चौथे गुरु थे, ये भी याद रखना, ठीक है ना? उसके बाद कंप्लीट किन्होंने किया था, 5th गुरु अर्जुन देव जी के द्वारा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अजंता केव, अजंता केव के लिए क्या सही नहीं। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है ये महाराष्ट्र में जी है, बिल्कुल है, ठीक है, कह रहा है बुद्धिस्ट आर्ट को दर्शाता है, जी बिल्कुल दर्शाता है, ठीक है, दे डिपिक्ट द टेक्निक यूज इन एंशिएंट टाइम, ऐसा कुछ भी नहीं है, दे डू नॉट पेंट फ्लोरा एंड फोना, बिल्कुल सही बात, फ्लोरा एंड फोना का कोई पेंट नहीं है उसमें, है ना? जानवर पेड़ पौधे नहीं दिखा रखे, बिल्कुल सही बात है, ये आंसर इस क्वेश्चन का सही हो गया, ये वाला क्वेश्चन का आंसर है कि दे डिपिक्ट द टेक्निक ऑफ एंशिएंट इंडिया, ऐसा कोई टेक्निक एंशिएंट इंडिया का नहीं इसमें दर्शाया गया, ठीक है ना? नोट ट्रू का क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, दादा स्कूल ऑफ आर्ट जो है किस सेक्ट से संबंधित है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। देखो होता क्या है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धिज्म से संबंधित है, लेकिन बुद्धिज्म में भी आपका ना हीनयाना और महायाना दो दे रखे हैं, है ना? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। देखो एक ना महाभारत में, इसको इसको याद करना है, बेसिकली पॉइंट क्या है कि वी नो कि भैया हाँ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धिज्म से संबंधित है, बट वी ऑल्सो नो कि भैया हम जब पेपर में आएगा हीनयाना महायाना हम फंसेंगे, हम फंसेंगे, हम पक्का फंसेंगे, क्योंकि हमारे सामने हीनयाना महायाना दोनों बुद्धिज्म के दे रखे हैं, एंड वी आर नॉट क्लियर ऑन दिस कि भैया आंसर क्या है। पेपर में प्रेशर ज्यादा होता है, क्लियरिटी कम होती है, ध्यान रखना इस चीज का, आप अपने दिमाग पे तभी जाएं जब आप बिल्कुल क्लियर हैं कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर ये। कैसे याद करना है, महाभारत में एक बड़ा कांडी बंदा था, कांडी बंदे का नाम था गांधार राज शकुनी, क्या था? गांधार राज शकुनी, महाभारत, ठीक है, महाभारत में कौन था? गांधार राज शकुनी, महाभारत में कौन था? गांधार राज शकुनी, शकुनी माने, ठीक है, लड़ाई पूरा महाभारत। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, महाभारत इस क्वेश्चन का आंसर, गांधार राज इस क्वेश्चन का आंसर। फेमस भक्ति संत
जो कि मेवाड़ फैमिली से बिलोंग करते थे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ठीक है, चीजें पकड़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो सीखोगे वो याद तो होगा। ठीक है, देखिए ये सब जानते हैं, मीराबाई जो है, मीराबाई मेवाड़ जो है रॉयल फैमिली से थी, मेवाड़ की रॉयल फैमिली से मीराबाई थी, ये आपको पता ही हुआ। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए बॉलिंग बॉल जो है कहाँ पे सिचुएटेड है कमेंट करिए, वी नो कि आपको थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा। देखो बॉलिंग बॉल जो है ना इतिहास से ही संबंधित है। ठीक है, बॉलिंग बॉल आज के समय में भी मसला है एक तरीके से। अभी जो एक वॉर छिड़ी है जेरूसलम और इसराइल के बीच में है ना, तो वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड भी है। ठीक है, तो आंसर क्या इस क्वेश्चन है, वेलिंग बॉल कहाँ पे लोकेट है? जेरूसलम में लोकेट है, और अभी इसराइल जेरूसलम के बीच में हो रहे, ठीक है, विध्वंस के कारण जो है उनमें से एक वेलिंग बॉल भी एक इतिहास रहा है, वेलिंग बॉल भी एक इतिहास रहा है जेरूसलम इसराइल के बीच में। ठीक है, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आंसर जेरूसलम है। एक और क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, एंटी सेमिटिज्म जो पॉलिसी थी इसका मतलब क्या था? देखो मैं ना सारी हिस्ट्री लेके आया हूँ। ठीक है, हाँ मतलब ये समझ लो एक कंपाइलेशन जो हो सकता उसके क्वेश्चन है, मैं जितने करा सकता हूँ करा दूंगा, बाकी 500 क्वेश्चन मिले। आज मैंने ना ऑल इन वन पीडीएफ का सोचा है कि अब मेरे स्टूडेंट के पास ना कुछ ऐसा कंटेंट होना चाहिए जो ऑल इन वन, ठीक है, उसमें सब हो। अगर हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री का सब कुछ हो, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का सब कुछ हो, पॉलिटी है तो पॉलिटी का सब कुछ हो, स्टैटिक्स जीके इकोनॉमिक्स सब ए टू जेड। ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल है ये वाली क्लास। चलिए, एंटी सेमिटिज्म क्या है? अगर मैं एडल्फ हिटलर की बात करता हूँ तो भैया वो ज्यूज के अगेंस्ट था। ठीक है, हमें और कुछ दिमाग में आता ही नहीं है, हमें आता है कि भैया यहूदियों के विरुद्ध जो है उसकी कुछ नीतियां थी, वही एंटी ज्यूज पॉलिसी उसने बनाई थी। एक और क्वेश्चन देखिए, जैन व्यवस्था जो है सेक्रेट बुक है किसकी? कमेंट करिए जल्दी से, कौन से धर्म की है ना? आरपीएफ का बैच मंडे सुबह 9 बजे से। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का है ना, जैसे मैं ये कहूँ कि भैया जैन व्यवस्था रिलीजियस पॉलिसी है, अब किसकी है जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या? पारसियों की थी। देखो जैन अवस्था भाई जैन से जैन नहीं हो जाता है, पारसियों की पॉलिसी। ठीक, पारसी जो है, ठीक है, उनकी ये सेक्रेट बुक है, जैसे अगर मैं कहूँ बुद्धिज्म की सेक्रेट बुक है पितक्स, जैनिज्म की सेक्रेट बुक है अंगास, हमारी भी है गीता एंड ऑल। ठीक है, लेकिन जैन अवस्था फिर क्या है कि भैया पारसियों से संबंधित। ठीक है, जैसे मुस्लिम समुदाय कुरान एंड ऑल। सबसे आखिर में गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ठीक है, ये आसान है कि भैया यूपी के खुशीनगर में, यहाँ पे आज के समय में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो खुशीनगर में इनकी जो है मृत्यु हुई थी। ब्रिथिस्लास इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बोध गया में एनलाइटनमेंट मिला, सारनाथ में प्रवचन लिए, नेपाल में जन्म हुआ, खुशीनगर में मृत्यु हुई। एक और क्वेश्चन देखिएगा, लखबख्श किने कहा गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका कहां से आया? गुलाम वंश से क्वेश्चन आया, और ये पेपर में बहुत बार आया मेरे भाई, है ना। हेलो मेरे दोस्त, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या है इस क्वेश्चन का। लगभग जो है गुलाम वंश का क्वेश्चन है ना। सर इंपोर्टेंट डेट एंड इवेंट्स पे, देखो पता ही है आपको, रात को 9 बजे चैप्टर ही चलते हैं, मंडे को होंगे चैप्टर। ठीक है, तो जब 9 बजे चैप्टर होंगे ना तो उसमें करेंगे, ठीक है, डेट डेट्स डेट एंड डेज भी करेंगे। देखो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था है ना, वो था लखबख्श, थोड़ा सा ना एक ना होता ना दानवी टाइप व्यक्ति, तो कुतुबुद्दीन ऐबक भी कुछ ऐसे ही था, वो लाखों दान कर देता था, ऐसे ही दे देता था, तो उसे लखबख्श कहा गया। ठीक है, कुछ लोगों को जो है ना गुलाम वंश का इतिहास अच्छे से नहीं पता, बहुत सारी चीजें हैं इसमें पढ़ने को। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए, चोला किंग किंकर्ड तो सलोन कौन सा ऐसा शासक था, चोला शासक जिसने श्रीलंका पे कब्जा किया था पहली बार, एंड द पॉइंट इज फर्स्ट। देखो सिंपल सा इसको ना याद करने का तरीका समझो, क्योंकि ना आपको ना राजा राजा के राजेंद्र चोला, राजा राजा चोला, विजयाला चोला, ये सारे आपको ना चोला ही दे दिए। ठीक है, दिमाग खराब हो जाता है ऐसे कि भैया श्रीलंका पे किसने सबसे पहले कब्जा किया हो, जब भी आपका वर्ड आया
ध्यान रखना, जब भी आपका वर्ड आया फर्स्ट कि भैया सबसे पहले किसने किया, ध्यान रखना इधर फर्स्ट जिसमें लिखा होगा वो आंसर लगेगा राजा 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 राजा। आगे आप सभी जानते हो, ठीक है ना, गाने के बोल। तो आप बस ये ध्यान रखना कि उस गाने के साथ साथ कि भैया फर्स्ट का आंसर फर्स्ट ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें क्लियरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज सारे राजेंद्र चोला लगा के आते। सबसे पहले सिंघहाल्स पे जो है श्रीलंका पे विजय हासिल राजा राजा फर्स्ट ने करी थी, बस इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर राजा राजा फर्स्ट। अब गलती से सारे राजेंद्र चोला लगा रहे, राजेंद्र चोला लगा रहे, ये गलती होनी नहीं चाहिए, क्लियरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। नॉलेज जितनी हो वो क्लियर हो, क्रिस्टल क्लियर हो तो ही फायदा है, ठीक है ना। हलवा तो घर में भी बनता है, पेपर होल में बना के क्या करोगे नॉलेज। मुस्लिम फकीर जो है हुआ था फाउंडर ऑफ द लीडर मुस्लिम फकीर, मुस्लिम फकीर जो जो एक पूरा कह सकते हैं पूरा है ना संग्रह है, उसमें मुस्लिम फकीर में जो फाउंडर लीडर थे वो कौन थे, बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन। नाम नाम सुना होगा आपने, ये भी नाम आपने ये भी सुना होगा, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का कि भैया मुस्लिम फकीर के फाउंडर कौन थे, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ठीक है। आंसर है मंजूर शाह, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मंजूर शाह जो है इस क्वेश्चन का आंसर है, ध्यान रखिएगा, मजमून शाह जो है इस क्वेश्चन का आंसर है मुस्लिम फकीर, ठीक है। यहाँ पे आपने पता नहीं क्या ही आंसर लग दिया, सारे नाम फेमस है, दद्दू मियान फेमस है, मजमून शाह फेमस है, ठीक है। तो भैया थोड़ा सा याद रखिए, थोड़ा सा हिंट आपको होना चाहिए। एक और क्वेश्चन देखिएगा, बंगाल के आखिरी स्वतंत्र नवाब कौन, जो जो आखिरी स्वतंत्र नवाब था वो बैटल ऑफ प्लासी में हारा गया है ना। हर चीज कवर करानी है आपको आज, जो चीजें हैं वो सब कवर करानी है, ऐसा नहीं है सिर्फ हिस्ट्री, आपको पॉलिटी भी कवर कराएंगे आज, आज नहीं कल, कल रात को 8 से 10 पॉलिटी भी ऐसे ही लेके आएंगे। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर है सिराजुद्दौला। देखो जब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, वी ऑल नो कि भैया बैटल ऑफ प्लासी में रॉबर्ट क्लीव ने सिराजुद्दौला को हराया था, इससे पहले सिराजुद्दौला ही आखिरी शासक था इंडिपेंडेंट रूलर, ठीक है। किसका एक एम था कि भैया हम जो है हर आंख में से आंसू निकाल देंगे, मतलब निकले हुए आंसू साफ कर देंगे। बढ़िया आंसर है इस क्वेश्चन का, सॉरी। हु डिक्लेयर्ड एज हिज अल्टीमेट एम ऑफ वाइपिंग ऑफ ईयर और सॉरी टीयर फ्रॉम एवरी आईज, ये थोड़ा ना घुमाने वाली लाइन है, हम हर एक आंख के आंसू पोंछ देंगे, ये हमारा अंतिम उद्देश्य है। जवाहरलाल नेहरू जी इस क्वेश्चन का आंसर है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा, ठीक है। बिल्कुल डियर, देखो मैं आपको यही कहूंगा, अभी मैं ना बहुत ज्यादा फालतू लेक्चर नहीं लेके आता कि एक ही दिन में 10 बार यूट्यूब की स्क्रीन पे आके खड़े होके सब बता रहे जिससे व्यूज गेन हो जाए मेरे, ऐसा काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो पर्पस है वो है कुछ कंटेंट लेके आना जो मैं आपको एक लेक्चर में भी दे सकता हूँ। अगर मैं आपको मंडे टू फ्राइडे भी पढ़ा रहा हूँ ना, तब भी मैं सिर्फ 2 ही लेक्चर दे रहा हूँ कि भाई उसमें मेरा हो जाता है जो मेरे को पढ़ाना होता है काम का। तो अभी आपको आज ये लेक्चर मिल गया ना, इसको आप सारे पढ़िए, कोई भी एग्जाम हो सारे पढ़िए, फिर कल रात को 8 से 10 पढ़ाएंगे सारे पढ़िए, फिर मंडे टू फ्राइडे 9 PM पे स्टार्ट कर देंगे दोबारा पढ़िएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, भक्ति कल्ट स्प्रेड इन महाराष्ट्र विदाउट टीचिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कमेंट करिए। देखो भक्ति कल्ट किसने प्रमोट किया था, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिए जल्दी से बताइए, भक्ति कल्ट जो है किसने प्रमोट किया था महाराष्ट्र में, कैसे याद होगा क्योंकि इसमें तो सब कुछ दे रखा है, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वरस, समर्थ गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी बड़ा फेमस नाम है, ठीक है ना। जब पेपर में कुछ नहीं आ रहा होता ना, तब क्या करते हैं बालक, है ना, तुक्के लगाते हैं। तुक्के कैसे लगते हैं, तुक्के ऐसे लगते हैं कि बस तुक्के लगा रहे हैं, जे टपा टप टपा टप। अच्छा भक्ति, जय माता दी ए, जय माता दी बी, जय माता दी सी, जय माता दी डी, ऐसे ही, मतलब आप किसी भी धर्म से होंगे आप अपने हिसाब से लगा रहे होंगे अपने भगवान का नाम लेके,
जय माता दी, ये जय माता दी। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, उदाहरण दे रहा हूँ कि भैया एकदम तसल्ली से भक्ति करते हुए आप जो है तुक्के लगा रहे होते पेपर में, संत तुकाराम इस क्वेश्चन का आंसर है भक्ति कल्ट यही है, जो आप पेपर में देखते हो जब आप पढ़ के नहीं जाते, ठीक है। भक्ति कल्ट वैसे है अलग चीज, मैं आपको सिर्फ याद कराऊं कि भैया भक्ति कल्ट का कभी याद करना हो संत तुकाराम, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। कॉपर एज मैंने करा दिया, सी का सी याद रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी भी कराऊंगा आपको यही याद रहेगा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का पालन करते थे, कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा, एक एक चीज आज याद करनी है, ठीक है। चलो आप इसकी बात करें तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य जी जो है जीवन के आखिरी समय में इन्होंने किसको अपनाया, जैनिज्म को अपनाया, इन्होंने मृत्यु प्राप्त करी कैसे, जैनिज्म के एक रिचुअल से, ठीक है। जैनिज्म का एक रिचुअल होता है बड़ा तगड़ा, जिसमें आखिरी दिन तक कुछ नहीं खाते जब तक मृत्यु ना हो जाए, कुछ इस तरीके का होता, तो जैनिज्म को ही इन्होंने फॉलो किया। पर एक गांधी इरविन पैक्ट जो है किस डेट को हुआ, जल्दी जल्दी आंसर बताना, बड़े क्वेश्चन होने, आज 2 घंटे की क्लास है, 1 घंटे नहीं 2 घंटे पढ़ना है, कमेंट करिए जल्दी से बताइए। चलो तो आंसर क्या इस क्वेश्चन का, है ना, जैसे अगर मैं कहूँ कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर 5 मार्च 1931 है, यस बिल्कुल है, गांधी इरविन पैक्ट हुआ उसी के बाद 1931 में ही सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। देखो सूफी संत मोहम्मदीन चुश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पे, मतलब ये बड़ी फेमस दरगाह है, ठीक है, बड़ी फेमस दरगाह है, अकबर कहीं ना कहीं, ठीक है, मोहम्मदीन चुश्ती को बहुत ज्यादा मानता था, मेरे ख्याल से सलीम का नाम भी कुछ उसी से ही रिलेटेड था, ठीक है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का अजमेर, इस क्वेश्चन का आंसर अजमेर, आज के समय में भी यह है, दुनिया मानती है, बहुत मान्यता है, ठीक है ना। मेसोलिथिक एज की कौन सी साइट है जहां पर मेसोलिथिक एज की पेंटिंग्स है, कौन सी साइट है जहां पे मेसोलिथिक एज की पेंटिंग्स है। ऐसे क्वेश्चन बड़े मुश्किल हो जाते हैं भाई, सारी साइट फेमस है जहां पे पेंटिंग्स है, एलोरा में पेंटिंग, भीमबेटका में पेंटिंग, लेकिन अब फंसने वाला क्वेश्चन है कि भैया हमें कैसे याद रहे, ठीक है। मेसोलिथिक जो है कहाँ पे, मतलब इस क्वेश्चन का देखो, पहली बात तो ना धोलावीरा और सोन वैली में नहीं है कुछ भी, है ना, सोन वैली और धोलावीरा तो नहीं है आंसर, ठीक है, बसता क्या है एलोरा और भीमबेटका बसता, ठीक है ना। तो इनमें से आंसर क्या है, भीमबेटका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। मेसोलिथिक जो है, ठीक है, वो जो है पेंटिंग भीमबेटका में, ठीक है, ध्यान रखिएगा एलोरा में नहीं है, मेसोलिथिक पेंटिंग कहाँ पे, भीमबेटका में है, क्वेश्चन आ सकता है। एक और क्वेश्चन देख, हाँ जी, इंडिपेंडेंट 6 स्टेट के फाउंडर कौन थे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, जो आज के समय पंजाब है वो कहीं ना कहीं किसी समय में इंडिपेंडेंट 6 स्टेट बनाई गई थी, और किस महाराजा के द्वारा या किस गुरु के द्वारा, किस राजा के द्वारा बनाई गई थी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इंडिपेंडेंट 6 स्टेट के फाउंडर का नाम बताइए, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कमेंट करिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इनके बारे में सब जानते होंगे, महाराजा रंजीत सिंह, बेटा गुरु नानक देव जी नहीं आंसर, गुरु नानक देव जी पहले गुरु थे, वो बहुत पहले की बात है कि उस समय तो धर्म की शुरुआत हुई थी, सिख धर्म की शुरुआत, गुरु नानक देव जी तो सिख धर्म के संस्थापक हैं भाई, धर्म स्थापित होता है उसके बाद लोग आते हैं, उसके बाद एक राज्य बनता है, स्वतंत्र राज्य तो और बाद में बनता है, तो बहुत बाद में बना होगा, महाराजा रणजीत सिंह जी के समय में फाउंडर थे महाराजा रणजीत सिंह जी इंडिपेंडेंट 6 स्टेट के, ठीक है। क्या नाम है, महाराजा रणजीत सिंह जी, इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, इंडस इकोनॉमी का बैकबोन किसे माना जाता है, देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि भैया बैकबोन किसे माना जाता है, ठीक है, इंडस इकोनॉमी थी तो समृद्ध, ठीक है, लेकिन बैकबोन के नाम पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आंसर क्या रहेगा, कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा आंसर क्या रहेगा। देखो अगर बैकबोन के नाम पे क्वेश्चन आएगा तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का एग्रीकल्चर, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, जैसे अगर मैं कहूं कि भैया अभी ना 2 घंटे और पढ़ना हमने, ठीक है, माहौल बनाए रखना, वीडियो शेयर करते जाना जहां जहां कर सकते हो,
ठीक है, सारे बच्चे आते रहने चाहिए, और बाद में टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक हर बच्चे को ज्वाइन करना। अब देखो इंडस सील के जो मोतिफ है, मोती मतलब जो मोहरे पाए गए हैं वो किस टाइप के पाए गए, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन। जो मोहरे पाए गए हैं उसके शेप क्या है, वो यूनिकॉर्न शेप में पाए गए हैं, बुल शेप में, ठीक है, या फिर एलिफेंट की शेप में, किस शेप में ज्यादा पाए गए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि जो ज्यादातर मोटिफ्स इंडस सील पाए गए हैं वो यूनिकॉर्न शेप में पाए गए, किस शेप में पाए गए, यूनिकॉर्न शेप में पाए गए हैं। क्वेश्चन आपको मिल सकता है, एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और यूनिकॉर्न शेप में भी सबसे ज्यादा कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में, ये भी याद रखना कि भैया सबसे ज्यादा कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो, मोहन जोदाड़ो में जो है सबसे ज्यादा पाए गए यूनिकॉर्न शेप में भी। इसमें भी और डीप क्वेश्चन आ सकता है कि भैया जो यूनिकॉर्न शेप के पाए गए वो कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, हाईकोर्ट कोलकाता बॉम्बे मद्रास का कहाँ, कौन से वर्ष में एस्टेब्लिश हुआ, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। क्वेश्चन बहुत अलग अलग टाइप के हैं आज, आना स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन थे ना उनसे हटके चीजें करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने जो एक पूरा प्रॉपर ऑल इन वन का कंसेप्ट रखा है ना, उसमें मैंने ये रखा है कि हर सब्जेक्ट का एक अलग से मैंने कलेक्शन बनाया क्वेश्चंस का, ठीक है। चलिए आंसर क्या इसमें, कलकत्ता बॉम्बे मद्रास की अगर मैं बात करूँ तो 1862 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, 1861 एक्ट था, 1862 में स्थापना हुई। कालिदास, देखो कालिदास का कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जिसमें उन्होंने सती प्रथा को मेंशन किया है, खतरनाक क्वेश्चन, ठीक है। कालिदास ने बड़ा कुछ लिखा और सती प्रथा थोड़ा सा अलग समय की रही, कालिदास ने कालिदास ने अपने एक टेक्स्ट में सती प्रथा को मेंशन किया, ठीक है। अब बस वही पूछ रहा है कि भैया कौन सा टेक्स्ट है जिसमें कालिदास ने सती प्रथा को मेंशन किया, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताएंगे, कमेंट करो जल्दी से बताइएगा, सती प्रथा को किसमें मेंशन किया होगा। बताइए आंसर क्या बेटा, अगर बीच में क्लास बंद हो जाती है ना तो समझ लेना पावर बैकअप का इशू रहा होगा। मेरा टेलीग्राम है अमन सर टेक्स्ट बुक, उसे ज्वाइन करना है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है लोचा, ठीक है। चलिए लेकिन कोशिश करेंगे हम खो जाए। कुमार संभवाल इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कमेंट करिए जल्दी से बताइए। बाबा राम सिंह जो है ये इसमें से कौन से मूवमेंट से एसोसिएटेड। देखो जब मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं ना तो वो इतना डीप जाते हैं कि आपसे कोई रेबिलियन, कोई मूवमेंट, उनमें जो फाउंडर रहे होंगे, जो व्यक्ति एसोसिएटेड रहे होंगे, ठीक है ना, वो पूछा जा सकता है। बाबा राम सिंह, बाबा राम सिंह पंजाब के थे और पंजाब में एक मूवमेंट हुई थी कुका मूवमेंट, कुका, ठीक है, कुका मूवमेंट हुई थी पंजाब में, ठीक है। अब भाई कुका मूवमेंट पंजाब में हुई, बाबा राम सिंह पंजाब के, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ठीक है, कुका मूवमेंट आंसर होगा, ठीक है। एक कुकी भी है एक कुका भी है, तो प्यारे ये कुका का है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए। देखिए हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में इसमें से कौन सा क्रिएचर जो है स्टैच्यू के रूप में पाया गया, बताइए इसमें से क्या है, किसका स्टैच्यू पाया गया, बड़ा फेमस स्टैच्यू है, सिंधु घाटी सभ्यता का फेमस स्टैच्यू है, मोहनजोदाड़ो में पाया गया, और क्वेश्चन इस पे बहुत बार आया है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन देखो ना जो अलग पैटर्न के हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता में एक इम्पोर्टेंट क्रिएशन जो है स्टैच्यू के रूप में देखा गया, और वो कौन सा था, डांसिंग गर्ल का था, और मोहनजोदाड़ो में पाए गए, ये भी कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है, मोहनजोदाड़ो में ये भी पाए गए। एक और क्वेश्चन देखिएगा, फाउंडर ऑफ संवाद कौमुदी, मैंने न्यूज़पेपर करा दिया है, एक एक न्यूज़पेपर मैंने कवर कराया है, मैंने रात को 9 बजे जो क्लास मेरे ख्याल से परसों कराई थी उसमें सारी न्यूज़पेपर कराई है, इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला जब चैप्टर करा था उसमें एक एक न्यूज़पेपर कवर कराई है। अब अगर मैं फाउंडर ऑफ संवाद कौमुदी पूछूं आपसे, मीरत उलक पर पूछूं, तो इन सभी सवालों का जवाब क्या होना चाहिए, राजा राममोहन रॉय आंसर होना चाहिए। आज ये पहला क्वेश्चन है जो हमारे 100 चैप्टर की पीडीएफ में से हमने किया, उसके अलावा कोई भी टॉपिक जो है रिपीट नहीं हुआ, क्वेश्चन नहीं रिपीट हुआ, पहला क्वेश्चन है जो हमारे 100 टॉपिक में से आया है।
कंटेंट बहुत है, हमें सीखने में बहुत समय लगेगा, ठीक है, समझ रहे हो, है ना। रंजीत हार्डी, SSS नहीं, RRR, ठीक है। सुमित कुरी के फैंस, चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वाज कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। RRR याद रखो मेरे भाई उसका, है ना। चलो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए, जल्दी से बताइएगा। कंटेम्पररी बुद्धा के, देखो गौतम बुद्ध जिस समय थे ना, इस चीज को समझना है, यहां पे गलती होती है, कर दी गलती, कर दी गलती आपने तुरंत, मतलब 1 सेकंड ही लगाया गलती करने में। मैंने बोला कि भाई रुकना थोड़ा सा सुनना, गलती कर दोगे, तुमने 2 मिनट में गलती कर दी, तुमने रट्टे मारे यानी कि लड़ाई को, समझाता हूं तुम्हें। बेटा देखो समझना है इस चीज को, एक पापा एक बेटा, हाय आना पहले बताओ, हाय आना पहले ये बताओ, पापा बेटा सही लिखा मैंने, सही लिखा मैंने पापा बेटा, अब मुझे बस इतना बताओ पापा बेटा सही लिखा, पहले एक बार गैस लिखो सारे, अब मैं आपकी बेइज्जती करूंगा इधर, मेरा मन कर रहा है सुबह सुबह आपकी बेइज्जती करने, पहले मैं करूंगा जिसको जाना हो जाओ, जिसको बेइज्जती सुनो सुनो, मैं क्लास पूरी कराऊंगा लेकिन पहले बेइज्जती करूंगा तुम्हारी। तो सारे रट्टेबाजी मार के बैठे हो ना इधर क्लास में, ठीक है, ऐसे बात नहीं बननी किसी की, ठीक है। पापा बेटा, अगर गौतम बुद्ध पापा के समय में, गौतम बुद्ध जी पापा के समय में 80 साल रहे, उदाहरण दे रहा हूँ 60 कर लो, और बेटा के समय में 5 साल रहे, इनके समय में मृत्यु हुई, डेथ हुई, इनके समय में पहला काउंसिल हुआ, इसका मतलब ये नहीं है इनके कंटेम्पररी हो गए। अजात शत्रु ने पहला काउंसिल कराया था, वो उनकी मृत्यु के बाद कराया था। चाचा जी समझ रहे हो बात को, मैं शब्द बहुत सारे निकालना चाह रहा हूँ, आई एम कंट्रोलिंग एवरीथिंग, ठीक है। आंसर बिंबी सारा लगाएगा, कंटेम्पररी पूछा है, मृत्यु के पश्चात अजात शत्रु ने पहला काउंसिल करवाया था, इसका मतलब ये नहीं है वो कंटेम्पररी हो, ठीक है। आंसर बिंदी सारा है, बी से भी याद रखेंगे हम आज के बाद, ठीक है, बी से भी याद रखेंगे हम आज के बाद, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, पता ही हु रोट द बुक पंच सिद्धांतिका, पंच तंत्रा नहीं पूछा सिद्धांतिका पूछा, कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन, पंचतंत्र पूछता ना लिटरली बड़ा आसान क्वेश्चन, और अगर मैं कहूँ ना इधर पंचतंत्र देखे विष्णु शर्मा लिखते, बच्चे कहते हो बल्ले बल्ले विष्णु शर्मा आंसर है, गया क्वेश्चन, वो भी चला जाता आपका अगर आप पंचतंत्र समझते और लगाते विष्णु शर्मा आंसर, गलत हो जाता वो भी आंसर के इस क्वेश्चन का, ठीक है। पंच सिद्धांति का आंसर का क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर सीखो भाई सीखो, जो मैं नया कंटेंट लाया हूं वो हर बच्चे को पढ़ना है, ठीक है ना, ये वही है PDF ऑल इन वन। चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का, वारा मीरा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। पंच सिद्धांतिका वारा मीरा, पंच तंत्र विष्णु शर्मा, ध्यान रखिएगा दोनों में फर्क, ठीक है। हाँ जी देखो महायाना बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग फ्यूचर बुद्धा किन्हें माना गया, ये आसान है क्वेश्चन भी बोल लो कि भैया, ठीक है, महायाना सेक के अकॉर्डिंग फ्यूचर बुद्धा किन्हें माना गया, कमेंट करिए जल्दी से बताइए। चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का, मैत्रेय, ठीक है, मैत्रेय को माना कि ये सुना होगा आपने कि भैया फ्यूचर बुद्धा इन्हें माना गया, ठीक है। नालंदा महावीरा साइट कहाँ पे है, चलिए सभी को पता है, अच्छा नालंदा महावीरा जो नालंदा साइट है, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, ये हाँ इस क्वेश्चन का आंसर है, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्थापित की गई थी बताओगे मेरे दोस्त, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्थापित की गई होगी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूँ ना नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा स्थापित की गई, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, बिहार इस क्वेश्चन का आंसर कुमार गुप्ता के द्वारा स्थापित की गई, ठीक है। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट कंटिन्यूअसली इनहेबिटेड सिटी कौन सा है,
जो आज के समय बर्बाद हो चुका है, बट ये किसी समय में ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटी। देखो पूरी सभ्यता नष्ट करने वाले जो ISIS है, जो भी है वो, ठीक है ना, उन्होंने ही सभ्यता नष्ट करी है। लेकिन अगर हम देखें अदरवाइज डेमेस्कस जो है दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी, ठीक है। डेमेस्कस कहां पे है वैसे, पता है सभी को? पता है ना सभी को, मैं ये क्यों कह रहा हूं? जेरूसलम कहां से आंसर हो गया यार? जेरूसलम कैसे आंसर हो सकता है? जेरूसलम नहीं है आंसर। जेरूसलम का तो इतिहास वैसा है जैसे अभी जिसका मसला पता आपको जेरूसलम का क्या है, तो जेरूसलम आंसर लगा रहे हो। डेमेस्कस आंसर है बेटा सबसे पहले सीरिया, जो आज के समय में बर्बाद हो चुका है। ये सीरिया जहां पे लोग बिल्कुल जो है ISIS की गिरफ्त में है, ये सीरिया का डेमेस्कस ही है जो दुनिया का ओल्डेस्ट कंटिन्यूसली इनहेबिटेड सिटी माना गया प्यारे, ठीक है। जेरूसलम नहीं है, बगदाद इस्तानबुल नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर, बस सोच के देखो कि जो सबसे पुराना शहर रहा दुनिया का, वहां पे आजकल लोगों के खाने के लिए कुछ नहीं है, क्यों? ठीक है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। चलिए एक और क्वेश्चन देखेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए जल्दी से बताइए, आंसर क्या इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा। बताइए विच वाज द चोला किंग हु ब्रॉट गंगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, गंगा को नॉर्थ से साउथ की तरफ लाने वाले चोला किंग का नाम बताइए, कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, कमेंट करिए। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। जैसे गंगा नदी नॉर्थ में जो बह रही थी उसका पानी चाहिए था, साउथ की तरफ उसे डायरेक्ट किया गया, किसके समय में? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ठीक है, आंसर क्या है? तुक्केबाजी मारोगे, एक तो हमारा वो श्रीलंका वाला हो गया ना राजा राजा फर्स्ट, ऐसे ही हमारा एक हो गया राजेंद्र चोला, ठीक है, राजेंद्र चोला। चलिए क्वेश्चन देखिए, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो है हिमिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, देखो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना उसमें जर्मनी को ह्यूमिलेट किया गया था पूरी दुनिया के द्वारा, पता है ये पता है क्या सिस्टम था? ये वो सिस्टम था कि लड़ाई सारे कर रहे थे, इल्जाम जर्मनी पे आया पहले वर्ल्ड वॉर में, सारा इल्जाम जर्मनी पे आया, हालांकि जर्मनी वॉज मेन कल्प्रिट, बट सारे ही 100 लोग लड़ रहे हैं, आप एक ही को कह दो कि भैया सब इसने करा, तो जर्मनी तो नाराज हो गई। जर्मनी में एक उस समय युद्ध था, बालक कह लो या यूथ कह लो, अडल्फ हिटलर नाम था उसका, वो इस बात को दिल पे ले गया, और अडल्फ हिटलर को ये लगा कि जर्मनी की बेइज्जती का कारण यहूदी है। अडल्फ हिटलर इस चीज को दिल में लेता रहा लेता रहा लेता रहा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, बताइए आपको अडल्फ हिटलर का, समझ रहे हो, आंसर जर्मनी है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ, ठीक है, उसका जो देखो इंडस्ट्रियल, देखो मैं हर चीज करा रहा हूँ, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री भी है, थंबनेल में लिखवाया नहीं लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री भी है। क्या ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो इंग्लैंड में हुआ उसमें क्या बदलाव आए, ये सबसे बड़ा बदलाव था, यही बदलाव जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इंग्लैंड को एक विश्व का अमीर देश बनाया उस समय, जिसके बाद इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पे राज किया, ठीक है। देखिए जो इंग्लैंड है उन्होंने कोयला खोज दिया, उसके साथ जो है ट्रेन व्रेन बना दी, ठीक है, उसकी वजह से ना जो है ना बदलाव यह है कि वो कैपिटलिज्म की तरफ जाने लगे, फ्यूडलिज्म जो है कैपिटलिज्म में बदला, पूंजीवाद जो है प्रतिसमतावाद जो है इसमें बदला, फ्यूडलिज्म कैपिटलिज्म में बदलने का कारण था, जिस वजह से जो है ये सारी चीजें जो है ब्रिटेन में हुई थी उस समय, ठीक है, कैपिटलिज्म में बदला। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा इसको, फ्यूडलिज्म कैपिटलिज्म में बदलने का मतलब ये है कि सबके सिर्फ उसी के पास धन नहीं होगा जो काम जो जो पहले से पैसा लेके बैठा है, जिनके पास पहले से पूंजीपति है उनके पास भी धन होगा जो कुछ करके दे रहे हैं, ठीक है, कुछ करके दे रहे हैं वो कैपिटलिस्ट बने, ठीक है। आज के समय में जो बड़े बड़े ब्रांड हम सुनते हैं, होंडा ब्रांड हो गया, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड, ये वो व्यक्ति हैं जो किसी समय में बेहद गरीब रहे, मेहनत कर करके कैपिटलिस्ट बने। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, चाइनीज नेशनलिस्ट पार्टी ह्यूमंग तिरंग वाज फाउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, कमेंट करिए जल्दी से बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का। चाइना की नेशनलिस्ट पार्टी जो करंट एग्जिस्टिंग नेशनलिस्ट पार्टी है प्यारे, जो करंट एग्जिस्टिंग नेशनलिस्ट पार्टी है, चाइना का जो दबदबा है जिस सरकार का, एक ही सरकार है,
उसकी शुरुआत सुन यत सेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सुन यत सेन के द्वारा की गई थी। ध्यान रखना आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, सुन यत सेन के द्वारा की गई थी। एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करेगा। हाँ जी, जब पाकिस्तान की जो है ना कैपिटल 1959 तक कौन सी रही थी? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। आंसर है इस क्वेश्चन का कराची। आज के समय में कौन सी है? ये 1959 तक रही थी कराची कैपिटल। बाद में क्या मतलब कैपिटल का नाम बदल गया, कैपिटल चेंज कर दिया पाकिस्तान ने भी, ठीक है। बताइए मोहम्मदीन चिश्ती हो गया क्वेश्चन। हाँ जी, बुद्धिस्ट मॉन्क कौन से जिन्होंने बुद्धिज्म को तिब्बत में जो है प्रकाशित किया, उसको प्रमोट किया? कमेंट करिए। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। आंसर क्या? टाइप ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, किस किस को लग रहा है जो मेरे से रेगुलर पढ़ते हैं, जिनको ये लग रहा है कि भैया आज तो बिल्कुल ही अलग क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग क्वेश्चन है? यस लिखिए जिस जिसको ये लग रहा है, ठीक है। एक बार यस लिखिए जिन जिनको लग रहा है कि ये वाले क्वेश्चन तो एक साथ हमने पढ़े ही नहीं कहीं पे। जो मेरे से ही पढ़ते हैं उनसे ही पूछ रहा हूं मैं, ऐसा नहीं पूछ रहा कि आप पहली बार पढ़ने आए तो आपको पता होगा। जो मुझसे पढ़ते हैं मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि टाइप ऑफ क्वेश्चन अलग लग रहे हैं बहुत सारे। ऐसा मैंने पूरा कंपाइलेशन बनाया है हर सब्जेक्ट का, ठीक है, ध्यान रखना सभी के सभी। ये कंपाइलेशन सबसे बड़ा कंपाइलेशन होगा, ठीक है ना। एक्टिव रहिएगा, आज आपको पूरा पूरा बता देंगे, प्रॉपरली बता देंगे पूरा पूरा, ठीक है। 10 बजे 11 बजे के आसपास। चलिए आंसर है इस क्वेश्चन का पद्मसांबा। इस क्वेश्चन का आंसर है बताइए, बुद्धिस्ट मॉन्क हू स्प्रेड बुद्धिज्म इन तिब्बत, पद्मसांबा, इनके द्वारा स्प्रेड किया गया। ऐसे ही ना यही सेम चीज आती है कि भैया बुद्धिज्म को श्रीलंका में किसने जो है स्प्रेड किया, नेपाल में किसने स्प्रेड किया, चाइना में किसने स्प्रेड किया, ये वाले भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कराएंगे अभी धीरे धीरे होंगे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। आप सभी जानते हैं कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता में ना टेराकोटास पाए गए, ठीक है, टेराकोटा मिट्टी के बने होते थे, और जो टेराकोटा थे ना उसमें जानवरों को दर्शाया गया था। सवाल कह रहा कि इसमें से एक जानवर को उसमें नहीं दर्शाया गया, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। और कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है भाई, क्योंकि इस जानवर का तो जिक्र पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं नहीं है, तो ये कैसे दर्शाया जा सकता है? सोचने वाली बात तो सिर्फ यही है, अगर इनका जिक्र पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं है, ठीक है ना, तो इनको कैसे टेराकोटा में दर्शाया जा सकता है? है ना, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? कहो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, ठीक है। गाय का तो जिक्र कहीं पे भी नहीं है प्यारे, जब जिक्र कहीं पे भी नहीं कैसे? गायत्री मंत्र कौन सा? देखो ये वाला क्वेश्चन स्ट्रेट अवे आपको मिलेगा वैदिक सिविलाइजेशन में से, वैदिक कल्चर में से, कि गायत्री मंत्र किसमें था, और भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। गायत्री मंत्र किसके अंदर? ऋग्वेद में, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में से जो ऋग्वेद है उसमें गायत्री मंत्र है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा। अगर मैं बात करूं लॉर्ड महावीरा, ठीक है ना, लॉर्ड महावीरा अगर मैं बात करूं, ठीक है, चलिए, तो ये लॉर्ड महावीरा जो है दोस्तों, इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? पावापुरी। जैसे हमने कुशीनगर पढ़ा ना कि भैया गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर। ऐसे लॉर्ड महावीरा की मृत्यु कहाँ पे? पावापुरी, ठीक है दोस्तों। एक और क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी बताइए, बुद्धिज्म के लिटरेचर कौन से अभी मैंने पढ़ाया था? मैंने कहा था देखो, अभिधामा पितक, सुत पितक, ये जितने भी पितक है, तीन पितक है इन टोटल, ठीक है, ये तीनों पितक त्रिपितक कहे जाते हैं, और ये लिटरेचर बुद्धिज्म के। जैसे अंगा जो है जैनिज्म के लिटरेचर है दोस्त, ठीक है, वैसे ही त्रिपितक जो है ये किसके लिटरेचर है? ठीक है, बुद्धिज्म के लिटरेचर, ठीक है जी। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीजनल हिंदू किंगडम इन पावर। प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने जब भारत पे अटैक किया उस समय इनमें से कौन सा जो है रीजनल हिंदू किंगडम जो है पावर में नहीं था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। बताइए, देखो मोहम्मद गोरी जो था ना उसने पूरे भारत में कहीं ना कहीं आक्रमण किया, दिल्ली के तोमार राजपूत पे,
ठीक है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान है उन उनके ऊपर अटैक, ठीक है, गढ़वाल कनौज, ठीक है, गढ़वाल कनौज पे भी अटैक, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के ससुर से संबंधित, ठीक है, सोलंकी और गुजरात पे भी अटैक, बट करकोटा एम्पायर ऑफ कश्मीर ऐसा कुछ नहीं था, है ना। आंसर इस क्वेश्चन का डी होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हु ऑफ द फॉलोइंग वाइसरॉय स्टार्टेड द स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज। और ध्यान रखिए बेटा, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज की बात हो रही है, ये एकदम टॉप लेवल डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना, टॉप लेवल डिफिकल्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे सिर्फ सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा है, ना ही ये कह रहा है द फाउंडर ऑफ सिविल सर्विसेज इंडिया, कि आप कोई एक लोड का आंसर लगा दोगे। यहाँ पे कह रहा है स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज किसने स्टार्ट करी। टॉप लेवल डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वाले क्वेश्चन करने हैं तो बस लगे रहना मेरे साथ। और ये चीज ध्यान रखना कि हम जितना पीडीएफ ऑल इन वन करेंगे उतना बढ़िया, ठीक है। चलिए आंसर के इस क्वेश्चन का, क्योंकि जितना नया क्वेश्चन उठ सकता है वो सारा नया क्वेश्चन उठा रहे हैं, ठीक है। आंसर है लॉर्ड लिटन, ठीक है, लॉर्ड लिटन इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे तुक्का मार रहे हो सारे, लॉरेंस लगा रहे, ठीक है, तुक्का ना मारो, ठीक है, लॉरेंस ना लगाओ, ये क्वेश्चन फंसना था, वैसे ऐसे ही फंस गया। ईमानदारी से बताना किस ननायक ने ये क्वेश्चन गलत किया, जिसने गलत किया वो जीएलटी लिखेगा। और बुरा मत मानना अगर मैं आपको नालायक कह रहा हूँ, सच में आप नालायक हो जो आप ये वाले क्वेश्चन तक नहीं पहुंचे अभी तक गलत। क्योंकि देखो एक चीज मैं भी कह सकता हूँ कि मैंने अभी लॉर्ड एंड वॉइसरॉय वाला चैप्टर नहीं कराया, रात को 9 बजे मैंने नहीं कराया, मैं इस चीज को मानता हूँ। चैप्टर होगा तो आपका ये भी कवर हो जाएगा कि भैया हाँ लॉर्ड और वॉइसरॉय के क्वेश्चन भी आपको आते होंगे। फिलहाल आपका सबका गलत होगा जो मैंने 100 चैप्टर नहीं कराए, ठीक है, वो आपके क्वेश्चन गलत होने हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जब मैं करा दूंगा उसके बाद गलत नहीं होना चाहिए। अभी सबका गलत है, 90% से ज्यादा बच्चे गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, आप अकेले नहीं है। सिल्वर तमका और कॉपर डिटल जो सिक्के इंट्रोड्यूस किए गए थे वो किसके द्वारा, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइएगा। ये तो जब जो मिडविल हिस्ट्री पढ़ता है ना, दिल्ली सल्तनत, जो टीचर पढ़ा रहा होगा वो 100% ये चीज बताएगा कि भैया सिल्वर तनका और कॉपर जितल जो है न्यूज़पेपर किसने इंट्रोड्यूस करी, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कमेंट करिए जल्दी से बताएगा। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सिल्वर तनका और जितल जो है इल्तुतमिश के द्वारा, किसके द्वारा, इल्तु तमिश के द्वारा जो है, ठीक है, सिल्वर तनका और कॉपर जिटल जो है ये 2 सिक्के लाए गए, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है, कमेंट करिए। अच्छा क्वेश्चन था और बेसिक भी था, ये आना भी चाहिए सभी। बोर्ड ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर माने गए हैं, ठीक है, आप कभी भी किसी मेडिकोस वाले की दुकान पे जाओगे ना, लिटरली बता रहा हूँ, ये आपको एक आपको कैलेंडर देखने को मिलेगा इनका, फोटो लगी हुई, या फिर हॉस्पिटल में जाओगे वहां पे देखने को मिलेगा, धन्वंतरी आपको हमेशा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्हें गॉड ऑफ मेडिसिन कहा गया, ठीक है ना, गॉड ऑफ मेडिसिन कहा गया है। बताइए नेम द किंगडम विच फर्स्ट यूज द एलिफेंट इन वॉर, ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आने लायक और आते हैं बार बार। पर एक कौन सा ऐसा किंगडम था जिसने सबसे पहली बार हाथियों का प्रयोग किया युद्ध में। देखो यहाँ पे ना किंगडम पूछ रहा है, हमें बताया कि एक इतिहास कहता है कि नंदा डायनेस्टी में धनानंद जब था उस समय अलेक्जेंडर धनानंद की सेना को देख के वापस चला गया था, और धनानंद की सेना हाथियों की थी, मगध में धनानंद की सेना हाथियों की थी, बाकी किसी का नहीं है, ठीक है, मगध में धनानंद की सेना हाथियों की थी, बाकी किसी का नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, मगधा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। बताइए अर्ली बुद्ध स्क्रिप्चर वर कंपोज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, मैंने आपको ये चीज पहले एक बार, ये मैं देखो बुद्धिज्म जैनिज्म मैंने अच्छे से पढ़ाया आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बुद्धिज्म जैनिज्म का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप में से कौन कौन मुझसे 9 PM फाउंडेशन बैचेस में पढ़ रहा है वो यस लिख दो, जो जो पढ़ रहा है एक बार, जो जो पढ़ रहा है, क्या मैंने उसमें जैनिज्म बुद्धिज्म कराया। अगर मैंने कराया तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भैया पाली भाषा एक आम भाषा थी जिसका प्रयोग सारे लोग कर पाते थे, तो इसलिए बुद्ध स्क्रिप्चर सारे के सारे पाली भाषा में अर्ली अर्ली कंपोज हुए, फिर बाद में प्राकृत में भी कंपोज हुए,
बट शुरुआत में पाली भाषा में हुई, समझ रहे हो बात को? नहीं पढ़ते एएसआर, तभी तुम्हारे ये हाल है, आंसर दे पा रहे हो। सर एक और क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर, मथुरा फेमस सिटी है, महाजनपद थी ये किसकी कैपिटल थी? 16 महाजनपद रहे हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है कि 16 महाजनपद में किसी भी महाजनपद की कैपिटल पूछी जा सकती है। छोटू कुमार, जो भी बच्चा नया है क्लास में, वो क्या करना, वो मेरा टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक जरूर सर्च करके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मेरे 99% बच्चे एक्सेप्ट एएसआर रात को 9 बजे पढ़ते हैं, ठीक है। अब यही सुनोगे, ठीक है, एक्सेप्ट एएसआर, बाकी सारे पढ़ते हैं, ठीक है, ये लग रहा है साफ, ठीक है। तो आप भी 9 PM पे पढ़ सकते हो मंडे से, टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक ज्वाइन कर लेना हर कोई जो पहली बार पढ़ रहा है। आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? तुम सेना, इस क्वेश्चन का आंसर है मथुरा, ठीक है, कैपिटल थी, है ना, कौन से महाजनपद की, ठीक है, सुरसेना, ठीक है। अब देखो, अब ऐसे कैसे याद रहेगा कि भैया हम मथुरा, इस क्वेश्चन का आंसर मथुरा नरेश, आप सभी जानते हैं मथुरा नरेश, मथुरा नरेश कि नहीं जानते? थोड़ा इतिहास है इसके पीछे, सुरसेना का और महाभारत का, राजा कंस का, ठीक है, कृष्ण भगवान का। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, सर्वोदय का मतलब क्या है? महात्मा गांधी जी ने एक शब्द जो है प्रयोग किया, और उसी के नाम पे हमारे भारत में बहुत सारे फिर बाद में स्कूल बने, बहुत सारी स्कीम बनी। ये सर्वोदय का मतलब क्या था कि भैया सभी का उत्थान, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल। आज के समय आप बहुत सारे स्कूलों के नाम है सर्वोदय कन्या विद्यालय, ठीक है, सर्वोदय स्कीम, ये सब क्यों के भैया? अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल महात्मा गांधी जी का वर्ड है, जो महात्मा गांधी जी ने पॉपुलराइज किया, इसको यूज किया। बताइए राजा राममोहन रॉय जी की किताब, राजा राममोहन रॉय जी ने कौन सी किताब लिखी इनमें से, ठीक है, बताइए। जो राजा राममोहन रॉय थे ना, वो एक मोनोथिस्ट थे, ठीक है, वो मानते थे कि सभी भगवान एक ही है। मोनोथिस्ट वो होता है, अ गिफ्ट ऑफ मोनोथिसिस जो है, ये क्या है, एक ईश्वरवादी व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है। और परसेप्ट ऑफ जीसस, और देखो इसमें ना इतिहास है, रिलेट कर सकते हो। भारत में जब क्रिश्चियनिटी आया तो सभी ने उसको अपोज किया, बट राजा रमन रॉय डिड नॉट अपोज क्रिश्चियनिटी, ठीक है, डिड नॉट अपोज क्रिश्चियनिटी। इन्होंने परसेप्ट ऑफ जीसस भी लिखा, ठीक है, जीसस को स्वीकार करना, क्योंकि ये सपोर्ट करे थे क्रिश्चियनिटी, ठीक है, ध्यान रखना, पहला पॉइंट ये। दूसरा, ये खुद एक मोनोथिस्ट थे, किसी धर्म पर भरोसा, सभी धर्मों को एक ही मानते थे, कहते थे एक ही ईश्वर। तो इसी वजह से इनकी दो किताबें हैं, ये दोनों किताबें इन्हीं की। पता है जैन तीर्थंकर, जिनको श्वेतांबर के द्वारा महिला माना गया है, अच्छा क्वेश्चन है, कौन से जैन तीर्थंकर थे जिनको शांति माना गया, शांति, बताइएगा। श्वेतांबर, जिनको महिला माना गया है श्वेतांबर सेक के द्वारा, कौन से जैन तीर्थंकर थे, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। अच्छा क्वेश्चन, पार्टिसिपेट करना भाई सारे के सारे, ठीक है। चलो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? अभी ना सारे के सारे जितने बच्चे हैं ना, सभी एक्टिव रहना, कनेक्टेड रहना, अभी 10 बजे के आसपास, ठीक है, जरूरी है आपके लिए। पूरा कंपाइल करेंगे हर चीज को जितना कर सकते हैं ऑल इन वन। चलिए आंसर इस क्वेश्चन का 19th, इस क्वेश्चन का आंसर है 19th, इस क्वेश्चन का आंसर फीमेल, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, द लोएस्ट इन द रैंक ऑफ मराठा इन्फेंट्री, जैसे मराठा इन्फेंट्री मतलब उनकी आर्मी, और जो आर्मी थी ना उसमें आज के समय में तो सिपाही होता है लोएस्ट इन रैंक, ठीक है, लेकिन जो मराठा इन्फेंट्री थी उसमें लोएस्ट इन रैंक वॉज हवलदार, ठीक है, हवलदार। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर हवलदार। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, मैं आपको एक चीज साफ बता रहा हूँ, क्लियरिटी से बता रहा हूं, जो बच्चा आरपीएफ का फॉर्म भरेगा वो सिर्फ कॉन्स्टेबल का फॉर्म नहीं भरेगा, वो एसआई का फॉर्म पक्का भरेगा। मेरे से पढ़ना चाहते हो एसआई का फॉर्म भर लेना, कॉन्स्टेबल भरो अच्छी बात है,
पेपर भी तो अच्छी बात है। मैं आपको बस इतना कह रहा हूँ, एसआई का फॉर्म जरूर भरना, मैं तैयारी कराऊंगा, ठीक है? मैं 50 नंबर आपके पक्के करवाऊंगा, गारंटी देता हूँ, ठीक है? आप रीजनिंग और मैथ देख लेना जहां से देखना हो, एसआई का फॉर्म जरूर भरना। ये मत करना कि सिर्फ कॉन्स्टेबल ही बनना है, दोनों में पेपर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, जो आएगा हम देख लेंगे, ठीक है? ग्रेजुएशन करिए तो एसआई का जरूर भरना, ठीक है ना? चलिए, एक और क्वेश्चन देखिएगा, कमेंट करिए, बताइए, इन इंडस वैली सिविलाइजेशन द स्टाइल ऑफ स्क्रिप्ट। देखो स्टाइल ऑफ स्क्रिप्ट, देखो स्क्रिप्ट नोन नहीं थी, स्क्रिप्ट का नहीं पता था कैसी है, लेकिन स्क्रिप्ट का स्टाइल पता था कि भैया पीछे से आगे की तरफ लिखा जा रहा है, फिर आगे से पीछे की तरफ, फिर पीछे से आगे की तरफ लिखा जा रहा है। दिस इज द स्टाइल ऑफ स्क्रिप्ट, और ये स्टाइल ऑफ स्क्रिप्ट को हम बोस्ट्रो पैटर्न्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ये कहते हैं हम, ध्यान रखिए, क्वेश्चन अच्छा है, आ सकता है, ठीक है, डीप क्वेश्चन है यार। क्या यार, तुम क्या नलायकियां करते हो, तुमने इसका आंसर डी लगा दिया। वो कह रहा है आपसे कि स्क्रिप्ट कौन सी है, डी कैसे लगा सकते हो आंसर की? नो स्क्रिप्ट डिसाइडेड, मतलब ऐसा नहीं भाई, स्क्रिप्ट का स्टाइल तो पता था ना, तुम पढ़ो। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर, कुषाण डायनेस्टी के पहले रूलर जिन्होंने गोल्ड कॉइन जो है लाए थे, इशू किए थे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करो जल्दी से, बताइए। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, देखो, कौन सा ऐसा शासक था, विमा कैपिडिस, इस क्वेश्चन का आंसर, कुषाण डायनेस्टी की शुरुआत ही इन्होंने करी थी, कैपिडिस फर्स्ट के द्वारा शुरुआत की गई थी। चलिए एक और क्वेश्चन, कनिष्क भी इसी में था, ये नॉर्थ वेस्ट के शासन थे सारे के सारे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेशन ऑफ शालीमार एंड निशांत गार्डन इन कश्मीर। ये मैंने शायद आपको कभी पढ़ाया है कि भैया शालीमार और निशांत गार्डन जो है कश्मीर में, उसका जो फाउंडेशन है वो किसके द्वारा किया गया था? ये व्यक्ति जो है ना, ये मजलू इंसान था, इश्क मोहब्बत और प्यार, बहुत गार्डन बनवाए, है ना? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? जहांगीर, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? जहांगीर इसी चीजों में लुप्त रहता था, ठीक है ना? जहांगीर को और कोई काम ही नहीं था, गार्डन में टहलना बस, मस्त एकदम जिंदगी, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है जहांगीर, इस क्वेश्चन का आंसर, हु वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा, वन ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एपिक एंड नेशनल एपिक ऑफ ग्रेटर ईरान। शाहनामा जो ग्रेटर ईरान का नेशनल एपिक है, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है, और लॉन्गेस्ट एपिक है, ठीक है, शाहनामा, इसके ऑथर का नाम बताइए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, कमेंट करिए जल्दी से, बताइएगा, पार्टिसिपेट करना सभी के सभी। आंसर क्या इस क्वेश्चन का? फिर दोसी, फिरदौसी आंसर है, सही है, ठीक है। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का? फिरदौसी इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? जल्दी से एक और क्वेश्चन देखिएगा, शाहनामा जो है किसके द्वारा लिखी गई? फिरदौसी के द्वारा, ठीक है ना? चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, बुद्ध रक्षका किसके द्वारा, ये वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना कि भैया ये पुरानी किताबें हैं सारी, और जो पुरानी किताबें होती हैं इस पे क्वेश्चन बहुत बनता है। अभी मैं एक दिन बुक्स एंड ऑथर करा रहा था, मैं सोच रहा था कि ओल्ड बुक्स का क्वेश्चन आएगा, लेकिन वो बना नहीं, लेकिन मैं कराऊंगा ये चैप्टर और, ठीक है? आंसर क्या है? जैसे कह रहे मेरे दोस्त, बुद्ध रक्षिका जो है किसके द्वारा लिखी गई, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? बुद्ध रक्षिका किसके द्वारा लिखी गई? विशाखा दत्ता। जैसे कहते ना, हर्ष चरित्रा किसके द्वारा लिखी? बाणभट्टा, ठीक है, ऐसे ही विशाखा दत्ता मुद्र रक्षक का, ठीक है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द यूरोपियन पावर, ठीक है, जिससे शिवाजी महाराज ने कैनन और एनिमेशन लिए थे मुगल्स को हराने के लिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या? बताइए आंसर क्या? देखो शिवाजी महाराज ने ना इन यूरोपियंस को जो है ना सपोर्ट तो नहीं किया, लेकिन इनसे कैनन एनिमेशन लिए थे मुगल्स को हराने के लिए। और सभी जानते हैं शिवाजी महाराज का समय 15 15 26 1600 के बाद का जो है समय रहा है उनका,
उसी समय सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, तो आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? पुर्तगाली इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर पुर्तगाली। ठीक है, कौन से ऐसे ऋषि थे जिन्होंने दक्षिण भारत में आर्यव्रत की स्थापना करी थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन। कौन से ऐसे ऋषि थे जिन्होंने दक्षिण भारत में आर्यव्रत की स्थापना करी थी? इस क्वेश्चन का आंसर क्या? इसके बाद रात को कोई क्लास नहीं रखी आज, 9 PM पे कोई क्लास नहीं होगी आज, कल सुबह भी कोई क्लास नहीं है, आपको सीधा कल रात को 8 से 10 क्लास मिलेगी। और कल रात को 8 से 10, जैसे ऑल इन वन मैंने आपको क्या करा दिया, हिस्ट्री करा दिया, आज ऑल इन वन है ये सारा। ठीक है, ऐसे ही मैं कल रात को 8 से 10 आपको पॉलिटी भी ऑल इन वन कराने वाला हूँ। ठीक है ना, बस इस चीज का ध्यान रखना, जो चीजें मैं ऑल इन वन करा रहा हूँ, जितना भी कंटेंट मेरा ऑल इन वन का, वो टॉप कंटेंट है। क्या है वो? टॉप कंटेंट है ऑल इन वन का, जितना भी ये वाली क्लास ऑल इन वन होगी। ठीक है, कल रात को जो क्लास होनी है ऑल इन वन होगी, तो वो टॉप कंटेंट है, उसमें से क्वेश्चन बन नहीं है। ठीक है ना, चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का? अगस्त्य इस क्वेश्चन का आंसर है। अगस्त्य के क्वेश्चन ये मिल सकता है क्वेश्चन की भाई, दक्षिण भारत में किसने, देखो पहला फैक्ट्री एक्ट कौन से वर्षों के समय में आया था? मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन ना इंडियन हिस्ट्री के क्लास में कराया है। ठीक है कि भैया, पहला फैक्ट्री एक्ट कौन से वर्ष में आया? क्लास बीच में बंद होती है, टेंशन मत लेना, सीधा टेलीग्राम अवन से टेक्स्ट बुक पे चले जाना। ठीक है, आसान लग रहे हैं मुझे। चलो अगर मैं बात करूं भैया, पहला फैक्ट्री एक्ट किसके समय में, देखो ये अच्छा बंदा था, ये बंदा सोचता था कुछ कि भाई इंसान इंसान होता है ना, रिपन। ठीक है, क्योंकि रिपन ने बहुत बदलाव करे कि भैया एक छोटा बच्चा फैक्ट्री में काम नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, चाहे वो जो इंडियन हो या अंग्रेज हो, नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। एक महिला अगर प्रेग्नेंट है तो वो नहीं काम कर सकती, नहीं काम कर सकती, भत्ते मिलने चाहिए। तो रिपन के द्वारा ये बदलाव लाए गए थे, फैक्ट्री एक्ट लाके, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट था ये, ही वाज अ गुड पर्सन। ठीक है, राहत की सांस दी इसने कईयों को। बिंबिसारा के बाद कौन शासन में आया? इसने अपने पप्पा को ही निपटा दिया। विच रूलर मर्डर्ड हिज फादर बिंबिसारा एंड असेंट टू द थ्रोन? गजब, थ्रोन, पावर ऑफ थ्रोन। कौन सा ऐसा अजात शत्रु ने अपने पिता, ठीक है, अब सोचने वाली बात है, ये व्यक्ति जिन्होंने, जिसने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई, ऐसा लगता है कि बहुत स्पिरिचुअलिस्टिक है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई, यस है स्पिरिचुअलिस्टिक, और वही व्यक्ति जिसने अपने पिता को ही मरवा दिया, ठीक है, शासन के लिए। इसका ये लेवल अच्छा है या ये चीज अच्छी? गंगा नदी की जरूरत है। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर अजात शत्रु है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, कमेंट करिए, चलिए बताइए आंसर। बांग्लादेश वॉज क्रिएटेड, देखो बांग्लादेश हमने ही बनवाया तो हमें तो पता है कब बना। ठीक है, आंसर 1971 में। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, आसान है क्वेश्चन। द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट डील विद द मोरल कोड ऑफ कंडक्ट? देखो पितक तीन है, अभिधामा पितक, विनय पितक, सुत पितक। आज ये वाला क्वेश्चन भी प्रॉपरली कर लो, पहले तो मैं सिर्फ बताता था ना, आज ये वाला क्वेश्चन भी प्रॉपरली कर लो। मुझे बताइए कि मोरल, जो बुद्धिज्म में मोरल कोड ऑफ कंडक्ट है वो किस पितक में लिखे हुए? अभिधामा, विनय पितक, सुत पितक। कमेंट करिए जल्दी से बताइए, कमेंट करिए जल्दी से बताइए। चलिए देखो, अब जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर है विनय पितक। तुक्केबाजी चल रही है, ठीक है, विनय पितक इस क्वेश्चन का आंसर है कि भैया विनय पितक जो है, ठीक है, उसमें मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लिखे हुए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, आप इसका क्या ध्यान रखना, थोड़ा बहुत अंदाजा रखना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, एक बच्चा है स्ट्रगल, कहाँ गया स्ट्रगल, क्लास में अच्छी तैयारी कर रहा है वो बालक, आता उसे बहुत कुछ। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विनय पितक की अगर मैं बात करूं, हो गया ये वाला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द सुल्तान ऑफ दिल्ली जब मंगोल्स ने भारत की भूमि पे पहली बार आक्रमण किया? ठीक है ना, तो
भारत की भूमि पर आक्रमण किया, उस समय कौन जो है मुगल, क्या बोलते हैं, दिल्ली सल्तनत पे था। ठीक है, बताइए आंसर क्या। अच्छा क्वेश्चन है गुरु। और इसने ये भी बात सत्य है कि मंगोल्स के आक्रमण को रोका। ठीक है, मंगोल्स ने आक्रमण किया लेकिन मंगोल जीते नहीं। कौन था इतना पावरफुल? इल्तुतमिश था इतना पावरफुल, रजिया सुल्तान के पप्पा। ठीक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वाज सो पावरफुल कि भैया मंगोल्स आक्रमण करने आए, भारत पे आक्रमण नहीं कर पाए, जबकि मंगोल्स बड़े खतरनाक थे उस समय, बड़े खतरनाक थे। इल्तुतमिश ने हरा दिया। हालांकि इल्तुतमिश की पावर डिमिनिश होगी उसी के बाद ही, क्योंकि भैया जब किसी आक्रमण को रोकते हैं आप, ठीक है ना, तो डेफिनेटली आपकी पावर जो है डिमिनिश होती है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए। द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड इन एग्जीबिशन हड़प्पन साइट। हड़प्पा की जब साइट को एग्जीबिट किया गया, इसमें से क्या नहीं मिला? ये नहीं मिला क्योंकि ये था ही नहीं, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, तो मिलता कैसे बताओ ना, मिलता है कैसे? नहीं मिलना था ऑब्वियसली, है ना। चलिए बताइए, हाँ चलिए आंसर क्या है। बनवारी कुशावा कह रहे हैं, रजिया सुल्तान बढ़िया थी। कहने का मतलब क्या भाई, बढ़िया शासक थी ऐसे बोलो। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, उनका शासन कितने ही साल चला, 4-5 साल, 6 साल। चलिए एक और क्वेश्चन देखेगा। तो पता है आपको, हम ना गुलाम वंश के बारे में ना कुछ बहुत गलत नहीं सुनते हैं, बस एक मोहम्मद गोरी का है सुना, उसके बाद कुछ गलत नहीं सुना कि भाई इल्तुतमिश ने कुछ गलत किया हो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ किया हो गलत, रजिया सुल्तान ने कुछ किया हो, लेकिन उसके बाद हम सुनते हैं कि चलो ठीक है बहुत चीजें हुई हैं। ठीक है, समझ रही हो। आखिर मंदिर शिखर के साथ नहीं मिले, कोई शिखर ही नहीं थे मंदिर में, मंदिर थे ही नहीं उस समय, मंदिर नहीं थे, नेचुरल गॉड पूजा करते थे, हवा की पूजा, अग्नि की पूजा, वायु की पूजा। ठीक है, हाँ जी। अब एक और कंपाइलेशन है, जैसे हमने अलग अलग कंपाइलेशन पढ़ रहे हैं आज। ठीक है, आंसर है रवण बधान जो है, इसके कंपाइलर कौन थे? भाटी। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन का? ठीक है, रावण बधम जो है, ठीक है, रावण का जो वध किया गया था, ठीक है, वो उसको स्क्रिप्ट किया गया है, उसको लिखा गया है, और किसके द्वारा? ठीक है, भाटी के द्वारा। ठीक है ना, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? भाटी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है भाटी, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, रावण था हटी, ठीक है, तभी उसके साथ वो दुर्घटना घटी, है ना, समझ रहे हो। उसके बाद भी मैं कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन राइम बहुत गलत चली जाएगी, इसलिए हम उसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, रावण था हटी, था ना हटी, याद नहीं करना है, रिलेट करना है, क्या करना है? रिलेट करना है, रावण था हटी, उसलिए इसके साथ वो दुर्घटना घटी। ठीक है, आगे आप समझ जाइए राइम्स। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? अब ये मैंने करा दिया है। ठीक है, ग्रेट बात जो है कहाँ पे पाया गया, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा। ग्रेट बात कहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? क्लास कब तक है? जब तक लाइट है, क्योंकि ना पीछे से ना मेरा जो पावर बैकअप है ना, वो पी 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 कर रहा जा रहा है, मुझे नहीं पता कब बंद हो जाएगा, लेकिन चलो हमारा जो पर्पस है ना हिस्ट्री ऑल इन वन करने का, वो हो गया है, उसको हम खत्म कर देंगे जितना जल्दी हो सकेगा। ऐसे ही कल रात को लेके आएंगे पॉलिटी ऑल इन वन, मतलब ऑल इन वन है इस बारी, मतलब खत्म करना ऑल इन वन में, सब नया नया क्वेश्चन उठाया ऑल इन वन में सारा। ठीक है, आंसर है मोहन जोदाड़ो, ग्रेट बात, मोहन जोदाड़ो, ऋतिक रोशन, पूजा है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, देखिए जो कोणार्क सन टेम्पल है ना, कोणार्क सन टेम्पल, वो बनवाया गया नरसिम्हा के द्वारा, और नरसिम्हा जो है किस डायनेस्टी के, ये पूछा गया। ठीक है, आंसर क्या इस क्वेश्चन के, जल्दी से होते हैं। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? नरसिम्हा के द्वारा बनाया गया। नरसिम्हा कौन सी डायनेस्टी से था? नरसिम्हा गंगा डायनेस्टी से। ये लो, तो देखो भाई गंगा डायनेस्टी है, चोला डायनेस्टी आंसर नहीं है। ठीक है ना सर, राइडर बिपिन सर आप कहाँ से हो भाई? मैं हूँ जम्मू से। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, ये नादिर शाह ने जब भारत पे आक्रमण किया तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? देखो ये वाले क्वेश्चन का टाइप बहुत प्यारा है, और ये मैं ना अलग से चैप्टर भी बनवा चुका हूँ कि भैया
अब मतलब क्या बोलते हैं कि किस समय में किसने आक्रमण किया और कौन शासक था, ये वाला क्वेश्चन बहुत बनता है। जैसे अभी हम करेंगे, मंगोल्स ने जब आक्रमण किया था उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था, ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? आंसर क्या है इस क्वेश्चन का जल्दी से बताइएगा, कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा। नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो उस समय जो शासक था वो कौन था, ठीक है? आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, मोहम्मद शाह, ठीक है? आंसर है इस क्वेश्चन का मोहम्मद शाह, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, तुक्के तुक्के लगा रहे हैं। एंशिएंट इंद्रप्रस्थ आज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद, कितना प्यारा क्वेश्चन है। 16 महाजनपद है भाई, देखो मैं ना आपसे 16 महाजनपद के ऊपर जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपको ये पता चले कि एक टॉपिक है। मैं खुद भी करा दूंगा रात को 9 बजे 16 महाजनपद, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन है बिल्कुल अलग है, आपके लिए फंसने हैं, सिंपल सी बात है। जो महाभारत में, ठीक है प्यारे सुनना, जो महाभारत में जो कौरव और पांडव रहे हैं ना वो कुरु वंश के थे, ठीक है? वो कौन से वंश के थे? कुरु वंश के थे सारे के सारे। पांडव और कौरव कुछ अलग नहीं थे, वो सारे के सारे चाचा ताऊ ही थे, सारे के सारे जितने भी भाई बंधु, ठीक है, अलग अलग नहीं थे, कुरु वंश के थे। और उनकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ, उनकी कैपिटल थी इंद्रप्रस्थ। तो महाजनपद कौन सा? कुरु, और इंद्रप्रस्थ कैपिटल थी, ये पांडवों को दी गई थी, ठीक है? ये जगह पांडवों को दी गई थी इंद्रप्रस्थ के नाम से, और इससे पहले से खांडप्रस्थ कहते थे। जब ये जगह पांडवों को दी गई तब ये खांडप्रस्थ थी, इसमें सांप ही सांप थे। फिर इंद्र भगवान ने इसकी जो है संरचना करी, इसको नया स्ट्रक्चराइज किया, ठीक है, क्योंकि वो इंद्र भगवान अर्जुन के पिता थे, ठीक है, समझ रहे हो, अर्जुन के पिता थे इंद्र भगवान, इसलिए उन्होंने उसे इंद्रप्रस्थ में बनाया। और वही इंद्रप्रस्थ धीरे धीरे आज के समय का दिल्ली है। जो आप आज के समय में दिल्ली देखते हो वो पहले इंद्रप्रस्थ था, उससे पहले खांडप्रस्थ था, ठीक है, और कुरु वंश का हिस्सा था, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, कमेंट करिए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर इज आल्सो नोन एज वेरी गुड फॉर प्लेइंग वीना। वीना बहुत अच्छा बजा लेते, बताइए। ये मुगल शासक था, ये मतलब बहुत ही हटी था, इवन फंडामेंटलिस्ट था, ठीक है, रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट आल्सो, ठीक है, सेकुलर तो था ही नहीं बिल्कुल। चलिए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंसर है औरंगजेब, ठीक है जी, औरंगजेब इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि नहीं यार आंसर जहांगीर हो सकता है, लेकिन नहीं, जहांगीर को भी बड़ा कुछ आता था, लेकिन औरंगजेब वीणा बजाने में एक्सपर्ट था, ठीक है ना, समझ रहे हैं? आपने देखा भी होगा बहुत सारी पिक्चर, एक मूवी आई थी तानाजी, उसमें भी कैरेक्टर दिखा रखा है कि वीणा बजाते हो, औरंगजेब को दिखाया गया, औरंगजेब के कैरेक्टर में ही अभी है ये सब चीजें। एक और क्वेश्चन देखें, जिंदा पीर कहा गया है अपने आप को, इसमें अपने आप को। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज इंट्रोड्यूस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट। जितना बेटर क्वेश्चन हो सकता है ना उतना बेटर क्वेश्चन ऑल इन वन में, ठीक है, ऑल इन वन जितना हो सकता है उतना बेटर क्वेश्चन। और एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट का बनाया है, पॉलिटी का बनाया है, हिस्ट्री का बनाया है, ज्योग्राफी का बनाया है, स्टैटिक जीके का बनाया है। और क्वेश्चन ऐसे डाले हैं, स्टैटिक जीके में 3,000 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 500 बना लिए हैं, अभी आपको जितने करा दिए बाकी और कराएंगे, ठीक है, ज्योग्राफी के 500, पॉलिटी के 1,000, स्टैटिक जीके के 3,000, इकोनॉमिक्स के 300, इस तरीके से पूरा एक प्रॉपर कंटेंट यहाँ बना दिया है। आप दबा दबा आपको मिलेगा ऑल इन वन, ठीक है। ये जैसे पहली क्लास होगी आज हिस्ट्री की, कल दूसरी क्लास होगी रात को 8 से 10 पॉलिटी की, ठीक है। नए नए क्वेश्चन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। देखो मुस्लिम प्रेसिडेंट आईएनसी के सबसे पहले कौन थे, ठीक है, आंसर क्या है इस क्वेश्चन का? आंसर है बदरुद्दीन त्याबजी। क्या आंसर? बदरुद्दीन त्याबजी इस क्वेश्चन का आंसर है कि भैया बदरुद्दीन त्याबजी जो है पहले मुस्लिम, ठीक है, फाउंडर थे, मतलब आईएनसी के जो है हेड थे। अब समझना इस चीज को दोस्त, ये चीज को समझना, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया ना, ये हो गया है क्वेश्चन ना, ये तो हो गया, चलो ठीक है। कंडीशनली नेविगेटेड डेमस्कस सभी पढ़ा है। मुद्रा रक्षक किसके द्वारा?
हाँ जी बताइए, गजनवी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम बताइए। हु वाज द फाउंडर ऑफ गजनवी डायनेस्टी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट करिए जल्दी से बताइए, कमेंट करो जल्दी से बताओ आंसर क्या है। चलो, जैसे अगर मैं कहूँ गजनवी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है कि गजनवी डायनेस्टी के फाउंडर है शुद्ध कुतुबुद्दीन, इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का आंसर, मोस्ट पावरफुल पेशावा इसमें से कौन सा रहा है? ये मोस्ट पावरफुल पेशवा माना गया है क्योंकि आपने ना एक मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, उसमें बाजीराव को दर्शाया गया है। फर्स्ट बाजीराव कैरेक्टर कैसा दर्शाया गया, मोस्ट पावरफुल है कि नहीं है, मोस्ट पावरफुल दिखाया गया है, बट जितना भी पावरफुल हो, ठीक है ठीक है। चलिए आंसर क्या, उसके बाद मैं कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन बोलूंगा नहीं, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बाजीराव फर्स्ट है, थोड़ी इज्जत कर लेते हैं, लेकिन देखिए कोई मराठा का होगा कोई बुरा ना मान जाए मेरी बात का, इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन ना थोड़ा ना प्यार व्यार से बच के रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। इतना पावरफुल व्यक्ति आपको देख रहा, आपने देखा बाजीराव मस्तानी में क्या एंड एंड क्या निकला, एंड आउटपुट क्या निकला, है ना। ही कुड हैव विन इंडिया, ही कुड हैव विन इंडिया, है ना। मुगल शासन खत्म हो जाता सब कुछ इसमें, मतलब मुगल शासन रहता ही नहीं, ब्रिटिशर्स आते ही नहीं, सब कुछ नहीं होता, ठीक है, बट समझ रहे हो, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। चलिए बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कमीशन वर्क ऑन औरंगजेब, विच वॉज लेटर फॉरबिडन, बताइए इसमें से कौन सा कंटेंट है जो औरंगजेब के ऊपर है, ठीक है ना। औरंगजेब के ऊपर है, जो मतलब आज के समय में इतना प्रचलित नहीं है, लेकिन औरंगजेब के ऊपर ये कंटेंट है। आंसर इस क्वेश्चन का आलमगीरीनामा, और बहुत फेमस है वैसे ये भी क्वेश्चन आता है इस पे, आलमगीरीनामा जो है, ठीक है, औरंगजेब के ऊपर क्वेश्चन आता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। नालंदा यूनिवर्सिटी की जो स्थापना की गई उसमें किस धर्म के ऊपर ज्यादा नॉलेज दी जाती है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। देखो दोस्त, जो भी मेरे साथ पढ़ रहा है ना, वो ये समझिए कि जो इतिहास में लिखा है हम वो बता रहे हैं, ठीक है ना। हम कंप्लीटली सेकुलर पर्सन, एज अ टीचर आई एम कंप्लीटली सेकुलर, ठीक है, मैं बस वो बोलता हूँ जो इतिहास में है, जो किताबों में पढ़ा है, जो होता है, जो सुना है, ठीक है, फैक्चुअली सुना है, ऐसे नहीं कंसेप्चुअली सुना, फैक्चुअली सुना, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, बुद्धिज्म इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए, अलेक्जेंडर जो है और उसकी जो आर्मी थी, ठीक है, उसने पंजाब के शासक पोरस से लड़ाई करी, द आर्मी ऑफ पोरस, यानी कि पंजाब का शासक था पोरस। ये जो लड़ाई हुई कौन सी नदी के किनारे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भैया अलेक्जेंडर ने जो लड़ाई करी पोरस से, गरीब अलेक्जेंडर पोरस से इतना ज्यादा जो है ना क्या बोलते हैं, इंस्पायर नहीं, खुश हुआ, क्योंकि ना अलेक्जेंडर के सामने ना इंडिया का कोई शासक खड़ा होने को तैयार नहीं था। अलेक्जेंडर ने आक्रमण किया इंडिया के इस हिस्से से, क्योंकि अलेक्जेंडर तो इधर से आया था, है ना, तो इतने हिस्से में जितने भी शासक थे कोई भी अलेक्जेंडर के सामने खड़ा नहीं हुआ, लेकिन पंजाब का शासक पोरस था उस समय, वो खड़ा हो गया आगे, ठीक है, झेलम नदी के किनारे, और टकराव हुआ बहुत तगड़ा, हिडेस्पस की लड़ाई हुई और पोरस हार गया, पोरस हार गया। पॉइंट ये बनता था, अलेक्जेंडर सिकंदर था, सिकंदर इसलिए कहते हैं, सिकंदर ने पोरस को उसका पूरा शासन वापस कर दिया, ये देख के कि भैया पोरस में दम है, ठीक है, पोरस का पूरा शासन वापस कर दिया, ले भाई तो भिड़ा इतना ही काफी है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, मतलब ये इतिहास है तो बता रहे हैं थोड़ा बहुत। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर हु वाज द फर्स्ट डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्वेश्चन खतरनाक गलत होता है, मतलब ये आंसर क्या इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन गलत होता है, ठीक है। चलिए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, कमेंट करिए जल्दी से बताइएगा। अब देखो यहां पे क्या है,
वाज द फर्स्ट वन टू डिस्कवर द ट्रेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब इसमें बच्चे क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं दयाराम साहनी आंसर, ठीक है ना, दयाराम साहनी आंसर। इसका आंसर दयाराम साहनी नहीं है, इसका आंसर दयाराम साहनी नहीं है। इसमें जब दयाराम साहनी सिर्फ प्यारे तभी लगाइए जब ये कहे कि भैया हड़प्पा की खोज किसने करी, लगा दे दयाराम साहनी, कोई दिक्कत नहीं है। सही आंसर आर डी बनर्जी तभी लगाइए, समझना चीजों को समझना, आर डी बनर्जी तभी लगाइए जब ये कहे कि मोहनजोदड़ो की खोज ने करी, उसके अलावा मत लगाइए। जॉन मार्शल तभी लगाइए, अरे भैया रुक जाए यार क्लास पूरी होने, जॉन मार्शल तभी लगाइए जब ये कहे सवाल में कि हमारे सबसे पहले प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट कौन थे, जॉन मार्शल लगाइए, अदरवाइज जॉन मार्शल आंसर ना लगाइए, ठीक है। आप इस क्वेश्चन का आंसर ए क्यूंगिम यानी कि अलेक्जेंडर क्यूंगिम लगाइए, क्या लगाइए, अलेक्जेंडर क्यूंगिम, ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ही वॉज नॉट प्रोफेशनल एट ऑल, ब्रिटिशर्स की तरफ से आया, पहला प्रोफेशनल नहीं था ये बिल्कुल भी, पहला डायरेक्टर था आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, और इनको ट्रेसेस मिले थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, इसके बाद इन्होंने खोज स्टार्ट करवाई, और उस खोज के बाद हड़प्पा मिला दयाराम साहनी। पॉइंट समझ रहे हो, पॉइंट समझे बात को, ठीक है। तो आंसर इस क्वेश्चन का ये होना था, ये फंस गया आपका, फादर ऑफ आर्कोलॉजी भी अलेक्जेंडर किंगडम को कहा जाता है। देखो ब्रिटेन हमारा इतिहास है, ब्रिटेन हमारा इतिहास है, तो इतिहास से दूर नहीं भागा जा सकता, बुरा रहा हो अच्छा रहा, ठीक है, समझ रहे हो बात को। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर, देखो फर्स्ट नॉन गुप्ता रूलर का सवाल है यहाँ पे, ये नहीं कह रहा कि हुआ द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। हेलो मुस्कान यादव, बहुत लेट हो, सुबह 8 बजे क्लास हुई थी, अब आप टेलीग्राम अवन से टेक्स्ट बुक सर्च करिएगा, ज्वाइन करिएगा, ठीक है, ऑल इन वन पीडीएफ, जो मतलब हमारी ये जो क्लास है इसका आधा पोर्शन तो गया, आधा के सारे ही गया ऑलमोस्ट अभी फिलहाल, ठीक है। श्री गुप्ता इस क्वेश्चन का आंसर है। देखो आप जैसे अगर मैं कहूं कि हमारे भारत में औषधि को लेके तीन व्यक्ति रहे, तीनों व्यक्तियों का नाम इसमें है, अब आप बताइए कौन से तीन व्यक्ति औषधि को लेके रहे प्रसिद्ध, बताइए आंसर क्या इस क्वेश्चन का, औषधि को लेके प्रसिद्ध रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ठीक है, वैसे एक बार ही ना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे इतना जरूर बताना आज सवाल मजेदार थे कि नहीं, यस और नो, बस आप ना मजेदार का आंसर यस और नो में लिखना। आपको अगर लगे ना कि भैया हाँ ऐसे सवाल बनते पेपर में सुने हैं, वो बच्चा यस लिख के जाएगा, लिख आपकी इच्छा है, ठीक है, मैं कंपल्सरी कह रहा, इट्स डिपेंड्स, ठीक है, अच्छे लगे तो जरूर लिखेगा यस और नो। चरक, सुसूत्रा और पतंजलि आंसर है, ठीक है ना, चरक, सुशस्त्र और पतंजलि। तो आज के लिए बस इतना ही, देखो अब क्या करना है, मैं जितना आपको मतलब मैंने आपको एक शुरुआत दी है, दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, कि जिसमें मैं आपको ऑल इन वन टाइप करा रहा हूँ सब कुछ, हिस्ट्री का करा दिया, कल मैं पॉलिटी का कराऊंगा सब कुछ, टेक्स्ट बुक पे ही होगा जो होगा, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, किससे, टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक, किससे जुड़ना है, टेलीग्राम, ठीक है, अमन सर टेक्स्ट बुक से जुड़ जाइए, पहली बात तो सर्च कर लेना जिसमें 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो उसमें जुड़ना। आज जैसे मैंने आपको पॉलिटी कराया है तो कल रात को 8 से 10 हम पढ़ने वाले हैं, आज मैंने जैसे हिस्ट्री कराया वैसे हम कल रात को 8 से 10 पढ़ने वाले हैं पॉलिटी, बिल्कुल नए क्वेश्चन होंगे सब कुछ, उसमें भी मैं आपका ऑल इन वन टाइप रखूंगा कि हमारे पॉलिटी के जितने भी आर्टिकल्स, अमेंडमेंट्स, जो भी सब नए क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैं कल लेके आने वाला, ठीक है। बाकी आप जुड़े रहिए मेरे साथ मेरे टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक पे, सो डेट की आपको क्लासेस का लिंक, टेक्स्ट बुक की क्लासेस का लिंक हमेशा मिलता रहे, समय पे मिलता रहे, 9 PM की प्लेलिस्ट आपको मिल जाए जो आपके टेलीग्राम पे अवेलेबल होगी, ठीक है। सर्च कर लेना एक बार अमन सर टेक्स्ट बुक, उसमें आ जाएगा, 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, जुड़ जाना उसमें बढ़िया से। देखो फाउंडेशन मैचेस भी ज्वाइन करिए, डेफिनेटली आपको जो अब क्लास होगी कल रात को 8 से 10, ठीक है, बीच में कुछ अपडेट्स आ सकते हैं मैं जरूर बताऊंगा, देख लेना। अमनदीप कोड यूज कर लेना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, देखो सब्सक्रिप्शन लेना आपके लिए फायदेमंद ही होता है, टेक्स्ट बुक की ऐप पे गए, ऐप पे जाने के बाद जो आपको सबसे पहला कोर्स मिलेगा ना वो कोर्स आपका ये होगा SSC फाउंडेशन, ठीक है ना,
एसएससी फाउंडेशन आपका सबसे पहला कोर्स होगा। या आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको ना पूरा बैच मिल जाएगा, सारे टीचर्स मिल जाएंगे आपको। बस इसमें क्या करना है, जैसे आप पूरा बैच ज्वाइन करते हो ना, तो आप अमनदीप कोड लगा के ज्वाइन करना, फीस कम हो जाएगी, ठीक है ना? फीस भी कम हो जाएगी। चलिए तो फिर धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए, ठीक है ना? प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम अमन सर टेक्स्ट बुक 100% ज्वाइन करिए। धन्यवाद आप सभी, बाय बाय।